तो ये इकोनॉमी का दूसरा पार्ट है, और कल की क्लास में हमने ये समझा था कि इकोनॉमिक्स में जो बिल्कुल प्रारंभ है वो प्रारंभ भारत के सिलेबस के आधार पे, चूँकि आपका सिलेबस कुछ ऐसा डिजाइंड है कि भारत की आज़ादी से पहले की अर्थव्यवस्था और आज़ादी के बाद की अर्थव्यवस्था। तो अब इस सेक्शन में मैं बहुत कोर टॉपिक उठाऊँगा, वो है इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति। इसको समझना है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और मुद्रा स्फीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस सेक्शन से आएंगे, तो मुझे ध्यान से सुनना है, ठीक है? बस आराम से सुनते रहिए, कुछ भी यदि आपको लगता है तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर सुनिए, ज़्यादा बेनिफिट इसी से होगा। तो अब मैं बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिससे सब प्रभावित होते हैं, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं या मुद्रा स्फीति कहते हैं, ठीक है? अब मुद्रा स्फीति के बारे में पूरा मैकेनिज्म, कैसे मार्केट में ऐसी कंडीशंस डेवलप होती हैं कि महंगाई कम हो जाती है, और कैसे मार्केट में ऐसी कंडीशन डेवलप होती है कि महंगाई ज़्यादा हो जाती है, इसे दिमाग में बैठाना है। आज बहुत आसान तरीके से मैं इसे बताने का प्रयास करूँगा, इसलिए गौर से पूरा चीज़ें जितनी भी हैं बस मेरी सुनते रहना और चीज़ों को समझना। बस इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि मैं समझा पाऊँगा या किताबों में मिलेगा, ठीक है? तो मुद्रा स्फीति के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन है क्या, मुद्रा स्फीति कहते किसे हैं। इन्फ्लेशन को यदि मैं बहुत आसान भाषा में समझाना चाहूँ, बहुत ही आसान भाषा में, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है, या मुद्रा स्फीति का मतलब होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता खत्म हो जाना, एक कम हो जाना, ठीक है? मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो जाना। अब इसको क्रय क्षमता का मतलब क्या, परचेजिंग पावर। जैसे आप जाते हैं मार्केट में 10 रुपये लेकर के और 2 किलो टमाटर लेकर आते हैं, ठीक है? यानी मुद्रा की पावर ये है कि 10 रुपये की वैल्यू ऐसी है कि 10 रुपये में 2 किलो टमाटर मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि वही 10 रुपये में मुझे 1 किलो टमाटर मिले, तो मुद्रा की पावर कम हो गई ना, जहाँ 2 किलो मिल रही थी वही चीज़ 1 किलो मिल रही, यानी 10 रुपये की पावर कम हो गई। तो यानी कि इसी को कहते हैं आप महंगाई, कि महंगाई बढ़ गई, चीज़ें महंगी हो गई। तो मुद्रा स्फीति का बड़ा आसान भाषा में मोटा मोटा मतलब यही है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाना, समझ रहे मेरी बात को, है ना? मुद्रा की पावर, मुद्रा की वैल्यू का कम हो जाना मुद्रा स्फीति कहलाता है। अभी कैसे होता है, और यदि होती है महंगाई, महंगाई के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ कारण यहाँ पे जो प्रमुख कारण है वो तरीके मैं आपको बताऊँगा, और कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है इकोनॉमी में। बहुत सारी चीज़ें जो हैं RBI के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी रेगुलेट की जाती हैं ताकि महंगाई नियंत्रित की जा सके, और कई बार मैकेनिज्म फेल भी होता है। RBI कई बार जो है मुद्रा स्फीति या महंगाई को कम करने में फेल्योर हो जाता है पूरा का पूरा सिस्टम। वो चीज़ें भी समझेंगे कि RBI क्यों फेल्योर हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आ जाना, सिंपल और आसान भाषा में। बाकी मत पढ़िए कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं है, यदि कहीं भी कोई पूछता है आसान भाषा में आप समझते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता ज़्यादा हो जाना यानी कि डिफ्लेशन है या फिर अवस्फीति है, और यदि मुद्रा स्फीति की बात है इसका मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाना, चीज़ें ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कारण क्या है, क्या क्या रीज़न होते हैं महंगाई बढ़ने के। 2 रीज़न होते हैं। पहला होता है, मैंने एक रूल आपको बताया था डिमांड एंड सप्लाई का, कि मार्केट में कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, और कोई चीज़ ज़्यादा भी है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, 3 कंडीशंस सोच के चलते हैं। पहले है कि मांग बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। जैसे टमाटर की मान लीजिए मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन टमाटर का उत्पादन उस साल में नहीं हुआ ज़्यादा, तो टमाटर महंगा हो जाएगा, या फिर टमाटर ख़राब हो गया, या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, या फिर उसकी सप्लाई नहीं हो पाई पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में वो महंगा हो जाएगा। दूसरा होता है, एक तो होता है डिमांड एंड सप्लाई, इसके कारण से मुद्रास्फीति घटती या बढ़ती है। मार्केट में चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाएंगी, चीज़ें कम हो जाएंगी, उस एवज में सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। दूसरा होता है लागत जनक महंगाई। लागत जनक में क्या होता है कि मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है? अब इस मोबाइल की मार्केट में जो भी कीमत हो, ठीक है, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए ये मोबाइल आपका मिलता है 10,000-15,000 रुपये का, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं, जो इसका रॉ मटेरियल है जिससे बनता है, वो महंगे हो जाएं। कई तरीके हो सकते हैं उनके महंगे होने के, जैसे कि टैक्स उनमें बढ़ जाए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाए, कस्टम ड्यूटी बढ़ जाए, भारत में आके असेंबल होता है मोबाइल, तो क्या होगा, इसकी कीमत और बढ़ जाएगी,
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक तरीका ये हो सकता है महंगाई बढ़ने का कि डिमांड एंड सप्लाई उसको कंट्रोल करे, ठीक है, सप्लाई कम हो डिमांड ज़्यादा हो तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जिस चीज़ से वो चीज़ बन रही हो उसका कच्चा मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, तो जब वो प्रोडक्ट बन के मार्केट में आएगा तो वो भी महंगा ही हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। तो ये दो तरीके हैं, ये दो तरीके हैं जो आपको आसानी से इकोनॉमिक्स समझा सकते हैं महंगाई बढ़ने के पॉलिसी को। तो महंगाई बढ़ने में क्या था, सबसे पहली चीज़ ये थी कि महंगाई का कारण है मांग प्रेरित यानी डिमांड पुल। काले अब इसमें बहुत सारे रीज़न हैं, अब मांग प्रेरित में अभी ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूं, बहुत आसानी से समझिएगा, ताकि मैं एक ये चीज़ समझा पाया तो ये मान के चलिए कि सब समझ में आ गया। क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, अच्छे से समझिए मुझे, ठीक है, गौर से अब सुनना है। यदि आपके पास पैसा होगा या फिर मार्केट में पैसा होगा, ठीक है, मेरे जेब में अभी 10 लाख रुपए आ जाएं अचानक से मेरे अकाउंट में, भारत सरकार डाल दे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, कोई भी एक बना दे फंड सबको कि एक सूटकेस में पैसा भर के लोगों तक पहुंचा देना है ना, भारत सरकार सबको एक एक सूटकेस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूटकेस ले लो योजना, तो उस सूटकेस में 10 लाख रुपए दिया और आपको पकड़ा दिया। अब वो मेरे पास अचानक से पैसा आएगा तो अचानक से मैं मांग क्रिएट कर दूंगा मार्केट में, सबके पास पैसा, सरकार क्या करे सबको पैसा दे दे, आपको दे दे, इसको दे दे, सबको दे दे, तो आप फिर खाली नहीं बैठोगे। जब आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप फिर शांत नहीं बैठोगे, आप उस पैसे को खर्च करने पे दिमाग लगाने लग जाओगे। यानी खर्च करोगे तो मार्केट में जाओगे, जाने के बाद आप डिमांड बढ़ा दोगे बहुत सारी चीज़ों की। हो सकता है आपको भौतिक संसाधन लेने, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरे पास बाइक नहीं है तो बाइक खरीदने सब लग गए, है ना, तो बाइक की डिमांड बढ़ गई। आपने घर पे और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं वो लगवाना चालू कर दी तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो बात समझिए, यदि आपके जेब में पैसा है यानी कि मार्केट में पैसा है, तो मार्केट में पैसा होने से डिमांड बढ़ती है, और मान लो आपके जेब में पैसा नहीं है तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, पैसा होगा तो डिमांड और पैसा नहीं होगा तो डिमांड, इतना दिमाग में बैठाओ, बाकी कुछ मत लगाओ, सिंपल और आसान भाषा में, ठीक। अभी इसी पे पूरा गेम खेलेंगे, पूरा का गेम यहीं पर है। दूसरा, मार्केट में पैसा आता किस तरीके से, हमारे पास एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसको बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, बैंक है, बैंक से मुझे लोन मिल जाता है। मान लीजिए घर खरीदना है, हम में से किसी के पास यदि घर नहीं है तो हम चाहते हैं घर खरीदना है तो हम होम लोन ले लेंगे आसानी से, गाड़ी खरीदना है उस पर लोन ले लेंगे, कार लोन ले लेंगे, ठीक है। तो लोन के माध्यम से 90% से ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है, सब जो है लोन ले लेते हैं, लोन के माध्यम से काम करता है, हर चीज़ का लोन मिलता है, एजुकेशन लोन पढ़ाई के लिए मिलता है, ठीक है। और आप खुद सोचिए कि लोन की दरें यदि कम हो, मान लीजिए पैसा मुझे चाहिए और पैसा बैंक के थ्रू सस्ते में मिल जाए तो मैं बाहर से नहीं लूँगा, रिश्तेदारों से नहीं लूँगा और कहीं से नहीं लूँगा, और या फिर मैं सोचूँगा कि इतना कम कम ब्याज दर पे मुझे पैसा मिल रहा है तो क्यों ना मैं अपनी पहले ज़रूरतें पूरी कर लूँ, बाद में धीरे धीरे भरता रहूँगा, एक ये भी दिमाग में आता है। यानी कि बैंकों से यदि हमें सस्ता लोन मिल जाए, बैंकों से यदि हमें पैसा बराबर मिल जाए तो हम बहुत आसानी से अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए निकल पड़ते हैं घर से। समझ रहे हो बात को कि नहीं? पैसे का एक स्रोत बैंक है, लोन के माध्यम से बैंकों से पैसा मिल जाता है हमें। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि पैसे की सप्लाई, पैसे की आपूर्ति हमें बैंक से भी होती है, बैंक भी देता है हमें पैसा और बड़ी एकमुश्त रकम दे देता है, जाइए घर खरीद लीजिए, है ना, करोड़ों रुपए का घर है तो बैंक आपको लोन दे देगी आपके क्रेडिट के आधार पे, और आप जो है आराम से घर लीजिए, धीरे धीरे किस्त करके चुकाते रहिएगा। कार खरीदनी है, कार लोन दे देगी, आराम से चुकाते रहिएगा, ठीक है। अभी समझना, क्योंकि मैं सारी गुत्थियाँ एक साथ जोड़ूंगा, सारी गुत्थियाँ एक साथ जोड़ने का प्रयास करूँगा। तो आप एक बात बताइए, मार्केट में पैसा यदि आ जाए तो मार्केट में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ें कम हो जाएंगी, और कम होने के कारण से चीज़ें महंगी भी हो जाएंगी, नो डाउट। यानी कि यदि आपके जेब में पैसा डाल दिया जाए तो आप ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन क्रिएट कर देते हैं। आपके जेब में यदि पैसा नहीं है तो आप घर में बजट ऐसा बनाते हैं कि नहीं नहीं 4 दिन दाल रोटी खा लेंगे, लेकिन यदि पैसा आ जाए तो आप सोचते हैं 2 दिन बाहर भी खा लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया है,
है ना, आज पनीर की सब्जी बना लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो जब पैसा है तभी तो सोच रहे हो, यदि पैसा नहीं हो जेब में तो नहीं सोचोगे। पिताजी द्वारा पहली बार जब आपके एटीएम में पैसा डाला जाता है उस दिन बढ़िया खर्चा होता है, पार्टी तक देते हो आप। तो क्या हो रहा है कि जब पैसा है तो खर्चा है, यदि पैसा नहीं तो खर्चा नहीं, मेरे दिमाग बंद, सिंपल और आसान भाषा में। इस बात को समझने में दिक्कत नहीं हो रही ना? और पैसे के आने का सोर्स बैंकिंग सिस्टम बना हुआ है, बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से मार्केट में बड़े स्तर पे पैसा आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब देश में महंगाई बढ़ती है तो महंगाई में पैसा कम ज़्यादा करने का, मार्केट में ज़्यादा पैसा करना है कि कम करना है, ये काम आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मुद्राओं का निर्गमन करता है, नोटों को छापता है, उनको रेगुलेट करता है, जो बैंकों का बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, जो रेगुलेटरी बॉडी है सभी बैंकों के लिए, वो आपके देश में धन के प्रवाह को, मुद्रा के प्रवाह को क्या करता है, रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। वो चाहे तो मार्केट में ज़्यादा पैसा दे सकता है। मान लीजिए मार्केट में ऐसी कंडीशन आ जाए कि पैसा ना हो, और पैसा नहीं होगा तो आप कोई चीज़ खरीदोगे नहीं, और खरीदोगे नहीं तो मार्केट में चीज़ें पड़ी रहेंगी, मंदी आ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, चीज़ें प्रोडक्ट तो हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ें बस बैठे हैं। कभी दुकानदारों के पास जाइए, बोलेगा अभी धंधा सही नहीं चल रहा। रीज़न क्या है? आप लोगों के पास पैसे नहीं है मार्केट में। जब अभी जैसे किसान है, रबी की फसल थी, गेहूं की उपज बेची गई, सब कुछ किया उसने, और इसके बाद उसके पास पैसा आया तो वो खर्चे चालू कर देता है किसान भी, और मार्केट बढ़िया चलने लग जाती है ना। तो मुद्दा यह है कि आरबीआई को एक ही काम करना है, आपके पास पैसा भेज देना है, और यदि मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया तो आपने क्या किया, पैसे को खर्च करना चालू कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, तो मार्केट से पैसा खींच लेना है। बस दो ही काम करता है आरबीआई, पैसा भेजना है, पैसा खींचना है, पैसा भेजना है, पैसा खींचना है, ये काम आरबीआई करता है तरीकों से। उसके कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स का प्रयोग करते हुए बैंकिंग सिस्टम को इस प्रकार से वो पकड़ता है कि बैंकिंग सिस्टम पैसों को मार्केट से कम ज़्यादा करता रहता है। अब मैं वही सारी चीज़ें आपको बताने वाली। इतना बात समझ में आई मेरी? बड़े आसान भाषा में, कुछ है नहीं इसमें, कि मार्केट में पैसे का होना मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है, मार्केट से पैसा जाना मार्केट में। तो यदि आपके पास पैसा आ जाए, यानी आरबीआई टू आपके पास पैसा आए तो क्या होगा उससे, आरबीआई के थ्रू आपके पास पैसा आए तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? महंगाई बढ़ेगी। और यदि पैसा आपके यहाँ से आरबीआई के पास चला जाता है, यानी मार्केट से आरबीआई के पास, तो क्या होगा, पैसा महंगाई घटेगी। ऐसा मोटा मोटी यही है मौद्रिक नीति, यही मॉनेटरी पॉलिसी इसी प्रकार से डेवलप की गई है। अब इसको आसानी समझते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो मुद्रा स्फीति मैंने बताया सबसे पहले कि मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ जाना मुद्रा स्फीति कहलाता है, ठीक, आसान भाषा में मुद्रा की परचेजिंग पावर कम हो जाना, ठीक है। कारण मैंने बताया कि मांग प्रेरित, डिमांड पुल, ज़्यादा मांग हो जाए किसी चीज़ की तो महंगाई बढ़ जाएगी उस चीज़ में। और दूसरा क्या है, लागत प्रेरित, यानी कीमतों में जो वृद्धि, उसका जो भी चीज़ें बन रही हैं उनका जो कच्चा मटेरियल है, वो चीज़ें यदि बढ़ जाती हैं, उनका लागत बढ़ जाती है तो भी महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है, लागत के कारण से। अब देखिए पहले मांग प्रेरित के बारे में मैं आपको बता दूं कि मांग प्रेरित महंगाई कैसे बढ़ती है। आप लोगों के पास, सबके पास ब्लैक मनी आ जाए, कच्चा धन, काला धन आ जाए। मोदी जी कह रहे थे ना कि 15-15 लाख रुपए ट्रांसफ़र होगा, मान लीजिए ट्रांसफ़र हो जाए एक मिनट के लिए, बिना आपकी मेहनत का पैसा सबके अकाउंट में आ जाए 15-15 लाख, तो आप क्या करोगे, है ना। तो या फिर आप टैक्स चोरी करें, काला धन का मतलब है वो पैसा जो सरकार की नज़र से आप छुपाते हैं, वही काला धन है, वही ब्लैक मनी है, जो किसी तरीके से आप, तो ब्लैक मनी को आप कहीं ना कहीं सेट करते हो, तो मार्केट में यदि काले धन की वृद्धि हो जाए तो भी महंगाई बढ़ जाएगी, ये मांग को बढ़ा देगी। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कई सारे कारण हैं। पहला है काले धन में वृद्धि हो जाए, यानी लोग टैक्स ना पे करें और चीज़ें गवर्नमेंट तक वो पैसा ना पहुंचे, और उस पैसे का उपयोग वो मार्केट में चीज़ों को मांग बढ़ाने में करेंगे। दूसरा चीज़ है आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए। अभी मान लीजिए आप 0 रुपए कमाते हैं, हो सकता है आप कल 10,000 कमाने लगे, 20,000 कमाने लगे, 1 लाख कमाने लगे, 15 लाख कमाने लगे, जो भी कमाने लगे, ठीक है। तो आपकी यदि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाए तो मांग बढ़ा देंगे आपकी, नहीं बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, है ना। जैसे ही आपकी पैसे बढ़ते, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी ज़रूरतें बढ़ती हैं। आदमी पहले 2 BHK फ्लैट में रहता है, फिर उसको, है ना, 3 चाहिए 4 चाहिए, फिर वो कोठी पकड़ता है सीधा, क्यों, उसकी आय बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, उसी हिसाब से उसका दिमाग चल रहा है, ठीक है। तो आपकी यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी जाए तो व्यक्ति के मांग बढ़ा देता है मार्केट में, चीज़ों को खरीदने लगेगा, चीज़ों को पूर्ति करने लगेगा। दूसरा,
बैंकों द्वारा क्या किया जाए, ब्याज दरों में कमी ला दी जाए, तो भी आप बैंकों से पैसा ले लेंगे, है ना। आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप ब्याज में पैसा लेकर के खर्च करना चालू कर देंगे, इससे भी मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इससे बढ़ता है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय में भारत सरकार क्या कर दे, हर जगह सब्सिडी देना चालू कर दे, गैस इतने रूप सब पे सब्सिडी, हर चीज सब्सिडी दे, ठीक है। आपके एजुकेशन में सब्सिडी, अच्छा आपकी 15,000 फीस है, चलो 5,000 मैं दिए देता हूँ, तो आपके पास वो 5,000 बच गए ना, 15 देने थे अब 10 ही देने पड़ेंगे। तो यदि सार्वजनिक व्यय पे सरकार द्वारा व्यय बढ़ा दिया जाए, ज्यादा सब्सिडियां हर चीज में छूट दी जानी चले लगे, तो क्या हो जाएगा, आप क्या कर दोगे, मांग जनित, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ा दोगे। इसके अलावा एक और तरीका है घाटे की वित्त, उसी को घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, यानी भारत सरकार की आय कम है, व्यय ज़्यादा कर रही है। व्यय किस चीज़ में कर रही है, आप सबके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लोक कल्याणकारी संस्था है, उसका काम है जनता का विकास हो, है ना, अमीरों से खींचे धन और गरीबों पे बांट दे, ये काम करती है गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं पे ये सब चीज़ें जो हैं इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं। पहली चीज़ काले धन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, है ना, बैंकों द्वारा ब्याज दर को कम किया जाना, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये क्या कर रही हैं, मुद्रा स्फीति या महंगाई को बढ़ाने का कारण बनती है। कौन सी मुद्रा स्फीति को, मांग प्रेरित डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। समझ गए बात को, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति। लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति कैसे बढ़ती है, पहली चीज़ है कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हो जाए, ठीक है, कच्चा माल जिस चीज़ का रॉ मटेरियल है यदि उसके मूल्यों में वृद्धि होती है तो कौन सा इन्फ्लेशन आएगा, लागत प्रेरित। इसके बाद मालगाड़ी के किराए में वृद्धि हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन वो उसका किराया बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ और महंगी हो जाएगी। या फिर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में, जो अभी देखते हो ना पेट्रोल का जैसे ही मूल्य बढ़ता है या डीजल का मूल्य बढ़ता है तो हंगामा क्रिएट कर दिया जाता है, होता है हंगामा, तुरंत जो है धरने में बैठते हैं, दुनिया भर की बातें होनी चालू हो जाती हैं। क्यों होता है ये सब हंगामा, क्योंकि उससे महंगाई बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी इकोनॉमी में, क्योंकि पेट्रोल हर जगह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक चीज़ है, जैसे उसका मूल्य बढ़ेगा बाकी सारी चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी, सबका रेट बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। विद्युत, तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि हो जाए, या फिर ऊँची मजदूरी दरें हो जाएँ, मजदूर जो लगे हुए हैं कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके मजदूरी दरें बढ़ जाएं, उनकी मजदूरी दर बढ़ा दी जाए तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि भाई ज़्यादा मालिक कोई भी कोई चीज़ बन रहा है और उसकी मजदूरी बढ़ गई तो अचानक से वो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी कास्ट बढ़ा देगा वो, समझ रहे हैं, लागत प्रेरित की में ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या फिर बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाए, बैंक द्वारा यदि ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाएगी तो जो पैसा है वो महंगा मिलेगा, पैसा महंगा मिलेगा, ज़्यादा ब्याज देनी पड़ेगी तो प्रोडक्ट को महंगा कर देगा कोई भी व्यक्ति, है ना। या फिर आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता में कमी आ जाए, जो भी चीज़ें हैं यदि उनके, जैसे मान लीजिए लाइट है, अब लाइट है आपकी, लाइट क्या हो जाए कि अभी 24 घंटे मिल रही है लाइट, 24 घंटे से 12 घंटे हो जाए तो जो प्रोडक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई कारखाना लगाए हुए हूँ, उस कारखाने से प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि वो मशीन 12 घंटे ही चलेगी, 12 घंटे तो नहीं चलेगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है, है ना। आधारभूत संसाधन, ये लाइट विद्युत एक आधारभूत संसाधन के अंतर्गत आती है, तो क्या होगा फाइनली, कहीं हर सेक्टर के लिए अलग अलग आधारभूत संसाधन है तो फाइनली क्या हो जाएगा, वो चीज़ें प्रोडक्ट भी महंगा पड़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा स्फीति बढ़ने के दो कारण है, पहला है मांग प्रेरित, दूसरा है लागत प्रेरित। अब मांग प्रेरित में क्या है और मुद्रा लागत प्रेरित में क्या है, रीज़न क्या है, दोनों के मैंने रीज़न बता दिए। पहले का रीज़न मैंने बताया सिंपल और आसान भाषा में कि पहले का रीज़न है आपका काले धन में वृद्धि यानी मांग प्रेरित में, उपभोक्ता की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बैंकों की ब्याज दरों में कमी, सार्वजनिक व्यय में सरकार द्वारा वित्त और घाटे की वित्त व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हो जाएं तो मांग प्रेरित डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और लागत प्रेरित इन्फ्लेशन में क्या है, कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि, मालगाड़ी की किराए में वृद्धि, पेट्रोल और डीजल के माल में, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, मजदूरी दरें बढ़ी हो जाना, टैक्स गवर्नमेंट द्वारा किसी चीज़ में टैक्स बढ़ा दे, जैसे अभी आज एजुकेशन है, एजुकेशन में 18% टैक्स है, ठीक है, अब ये टैक्स और बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए इसको 28% के स्लैब में ले आए तो और महंगी हो जाएगी एजुकेशन। कोई भी चीज़ है टैक्स बढ़ेगा तो फिर वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो बस सुनने आसान भाषा में बस ये समझना है कि इन्फ्लेशन के कुछ रीजन्स हैं जो रीज़न मैंने आपको बताए। अब आगे पढ़ते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके बारे में लगातार आप सुनते रहते हैं और जिसको समझना बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें।
मौद्रिक नीति के तहत क्या किया जाता है, यह नीति मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। पहली चीज ये, मार्केट में कितना पैसा रहना है कितना नहीं रहना रखना है, ये काम कौन करता है, मौद्रिक नीति। हर दो महीने में आती है, इस समय द्विमासिक मौद्रिक नीति है और RBI द्वारा इसको लाया जाता है। ठीक है, RBI क्या करता है मौद्रिक नीति के तहत, देखो RBI से सभी बैंक कनेक्टेड हैं, सब जानते हैं। RBI से मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, आप कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बैंक सारे कनेक्टेड हैं उससे, सब कुछ RBI रेगुलेट करता है उनको। यदि बैंकों को पैसा भी चाहिए होता है कुछ समय के लिए या अधिक समय के लिए, तो RBI से लेते हैं। RBI सबको पैसा देता है, जिसे रेपो रेट बोलते हैं आप, बैंक रेट बोलते हैं, मैं सब बताऊंगा। कुछ टूल्स हैं जो टूल्स के माध्यम से RBI मार्केट में पैसे को आने से रोकता है या नहीं रोकता है। ठीक है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, MSF क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। इससे यही सब तरीके होते हैं जिन तरीक़ों से मार्केट में पैसा भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता। तो RBI से सारे बैंक जुड़े हुए हैं और मौद्रिक नीति के द्वारा RBI क्या करता है, किस दर पर बैंकों को कर्ज देना है या फिर उन बैंकों से वापस लेना है, ये निर्धारित करता है मौद्रिक नीति पे। हमेशा जब भी मौद्रिक नीति आएगी तो आप देखेंगे रेपो रेट घट गया या बढ़ गया, है ना, बहस चलती है उस पर कि अब क्या होगा, अब इकोनॉमी किस तरीके से रन करेगी। तो RBI हर दो महीने में रिवाइज करता है इसको, अभी इसकी चर्चा मैं करूँगा। ठीक है, मौद्रिक नीति के तहत RBI क्या करता है, प्रमुख नीतिगत दरों को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और अभी क्या है, एक अभी तक क्या होता था, RBI के जो गवर्नर होते थे, गवर्नर के पास मेन पावर होती थी इस चीज़ को लेकर के, कि वो मौद्रिक नीति की जो दरें थी उनको निर्धारित करता था। लेकिन सरकार और गवर्नर के बीच में काफ़ी मतभेद भी हुए। रघुराम राजन जी थे, उसी समय एक कमेटी बनाई गई थी, उर्जित पटेल कमेटी, बाद में उर्जित पटेल भी गवर्नर बने। उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आप ऐसा करिए कि गवर्नर के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए, कुछ पावर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बना दी जाए और उस कमेटी के जो सदस्य होंगे वो मिल करके निर्धारित करेंगे कि भारत में मौद्रिक नीति के तहत जो बैंकों को कर्ज देना है RBI को, उसकी रेट क्या होगी। यानी अब मौद्रिक नीति का निर्धारण मौद्रिक नीति कमेटी करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, 6 सदस्यीय एक कमेटी बना दी गई है। समझ में आ रही है मेरी बात अभी तक जितना मैंने बताया। ठीक है, अब हम मौद्रिक नीति में प्रवेश करते हैं, क्या होता है मौद्रिक नीति। आसान भाषा में मैंने आपको बताया कि मार्केट में पैसा को कम करना है कि ज़्यादा करना है, इसका मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को करता कौन है, RBI करता है। कुछ तरीके हैं उसके, वो तरीके हैं, अब देखो क्या क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से RBI ये काम करता है। पहला है आपका CRR, ठीक है, दूसरा है आपका SLR, ये सब कुछ मैकेनिज्म है जिनके द्वारा बैंकों के पैसे को रेगुलेट किया जाता है। CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब के माध्यम से पैसे को मार्केट में भेजना है या पैसे को मार्केट से वापस ले लेना है। ठीक, अब यही आपको समझना है क्या होता है क्या है सब के बारे में। देखो अब यहीं से आपका इकोनॉमिक्स का कोर सेक्शन चालू हो जाता है चीज़ों के लिए आप समझेंगे तो। तो मौद्रिक नीति के द्वारा, मौद्रिक नीति पर अब नियंत्रण कैसे करता है अब समझिए। बैंकों के पास पैसा आप जाके जमा करते हो, आप गए, आपने खाता खुलवाया, बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें पैसा जमा कर दिया, बैंक को क्या फ़ायदा है उससे, बैंक के लिए तो वो एक उत्तरदायित्व तो बन गया। आपको मैं अभी अभी कोई चीज़ अपना मोबाइल में आपको पकड़ा दूँ, ठीक है, और मैं उसे संभाल के रखिएगा, तो आपकी तो जिम्मेदारी बढ़ गई ना। आपने गए अपने घर का पैसा उठा के बैंक को दे आए, बैंक को क्या फ़ायदा उससे, कुछ नहीं। बैंक के लिए तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई आपका पैसा, उसको कोई बेनिफिट नहीं है उस पैसे से। बेनिफिट बैंक को कैसे होता है, आपके पैसे रख आने से उसको बेनिफिट नहीं होता है, उस पैसे को वो लोन में घुमाता है ना, जो होम लोन, कार लोन, जबरदस्ती लोन ले लो, ये क्या है, ये सब चीज़ें इसी से उसके खर्चे निकलते हैं, उसके कर्मचारियों के खर्चे, उसका लाइट बिल, उसका रेंट, वो जो चाय वाय पीते हैं, सब पैसा इसी से, लोन के पैसे से निकलता है। माल्या जैसे लोग लेके निकल गए पूरा लोन, तो समझो बैंक के साथ क्या हुआ होगा, क्या हालत हुई होगी, सारा पैसा दिया, पूरा का पूरा पैसा दे दिया अपना, और पूरा बैंक का पैसा लेके भाग गए। तो अब ऐसी भी कंडीशंस हैं बहुत बार, अभी NPA वगैरह के बारे में भी मैं बताऊंगा कि NPA बहुत बड़े स्तर पे बढ़ रहा है, क्या है NPA ये भी चर्चा करेंगे। तो बात एक, आप एक बात समझिए सिंपल और आसान भाषा में, बैंकों को जो आप पैसा देते हैं वो बैंक के लिए एक उत्तरदायित्व तो होता है, और बैंक जब उस पैसे को गोल गोल घुमाना चालू करता है, समझ रहे हैं मेरी बात को,
तो वो उसके लिए बेनिफिट होता है, उसका प्रॉफिट की चीज़ वही है, यानी उसको लोन देना अनिवार्य होता है। बिना लोन दिए बैंक किसी भी तरीके से रह नहीं पाएगा, ठीक। यानी बैंक के पास जो आप पैसा देके आए उस पैसे घुमाएगा, उसको रखे नहीं रहेगा। क्यों? 4% आपको भी तो देना है, उसे सेविंग अकाउंट में 4% देना है उसे। बैंकों में भी इंटरेस्ट रेट बने हुए हैं, यदि आप जाके FD कराए RD कराए उसका अलग इंटरेस्ट रेट है, है ना। तो हर चीज़ का इंटरेस्ट FD में 7.5% के आसपास चल रहा है, तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। अब उसको आपको भी देना है, आप अच्छा चलिए पैसा रख के आए और पैसा उतना ही थोड़ा लेके आएंगे आप उसे कहेंगे भाई मेरा ब्याज कहाँ है। तो उसको क्या करना है, तरीका ढूंढना है ताकि बैंक की इनकम बढ़ सके, बैंक के पास पैसा आ सके, बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर चल सके। इस कारण से वो पूरे पैसे को क्या करता है, लोन में घुमा देता है। लेकिन RBI मना करता है बैंक को कि आप पूरा पैसा लोन में नहीं घुमाओगे, ठीक है। मान लीजिए आपने बैंक से पैसा लिया, बैंक ने कहा ठीक है 5 साल का लोन है मेरा, ठीक है, आपने लोन में पैसा ले लिया। अचानक से क्या हो गया, अब बैंक के पास यदि टोटल पूरा पैसा, मान लीजिए बैंक के पास आया 1,000 रुपये, अब बैंक ने 1,000 का 1,000 रुपये लोन में घुमा दिया पूरा का पूरा पैसा, तो क्या होगा, क्या होगा। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचा, बोला सर आज मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक आपको फ़ोन लगाएगा भाई कुछ पैसे दे जाना, वापस कर देना। ऐसा तो करेगा नहीं बैंक, है ना, कि आपने जो पैसा बैंक में जमा किया उस बैंक के यदि पूरा, RBI कहता है ऐसा नहीं करोगे आप, पूरा का पूरा पैसा लोन में नहीं उठाओगे, उस पैसे को कुछ आपको रखना पड़ेगा, उसके लिए उसने बना दिया कितना परसेंट पैसा आपको कहाँ रखना है। रीज़न क्या है, मान लीजिए कभी कभी पैनिक आ जाता है मार्केट में, मान लीजिए कोई अफवाह खुल जाए, अभी जैसे मान लीजिए ये आपका घटना हुई नीरव मोदी वाली, नीरव मोदी जब यहाँ से भागे तो पंजाब नेशनल बैंक का बहुत सारा पैसा जो है लेके निकल गए, क्योंकि उसी से लोन लिया था उन्होंने। तो अचानक से मार्केट में पैनिक आ गया, पैनिक किस चीज़ का, कि भाई पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेके भाग गए। आप लोगों के, आपके यदि खाते पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपके दिमाग में आएगा कि कहीं मेरा पैसा लेके तो नहीं भागे थे, वो गया PNB का पैसा। अब चूंकि आप उसके खातेदार हैं तो आप सोचेंगे कि मैं अपना पैसा पूरा निकाल लूँगा, मुझे नहीं RBI में PNB में पैसा रखना है, सही बैंक नहीं है ये। तो मार्केट में कभी मान लीजिए यदि पैनिक आ जाए तो क्या होगा, यदि वो पूरा का पूरा पैसा उठाया होता लोन में तो बर्बाद, बैंक के पीछे लाइनें लगी हुई हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम करता है कि पूरे पैसे को लोन में नहीं उठाने देता है, ठीक है, उस पैसे को कुछ तरीकों में रखता है। पहला तरीका है CRR, नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं इसे, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। RBI कहता है कि आप अपने टोटल, देखो बैंकों के पास जो पैसा जमा होता है दो प्रकार की लायबिलिटी होती हैं उसके पास, पहला होता है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी का मतलब है डिमांड, कभी भी उसकी डिमांड आ सकती है उसके पास, जैसे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आप सेविंग अकाउंट खुलाएं, अभी आपके पिताजी ने पैसा आपके सेविंग अकाउंट में गया, आप तुरंत ATM लगाए पूरा पैसा ले आए, और बैंक सोचता कि मेरे पास अभी 10,000 रुपये आए हैं, इनके पिताजी ने डाला है, मैं पैसा पूरा लोन में उठा देता हूं, तो आप तो पहुंच गए तुरंत लेने, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकता वो पूरे पैसे को आप, वो क्योंकि डिमांड लायबिलिटी है उसके पास, कभी भी उसकी मांग आ सकती है उस पैसे की। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो आप खुलवाते हैं ये डिमांड लायबिलिटी होती है, कभी भी इनकी डिमांड है, आज मैंने 10,00,000 रुपये जमा किए करंट अकाउंट में, कल ही निकाल लिए, कल मुझे ज़रूरत पड़ गई, ये है डिमांड लायबिलिटी। एक होती है आपकी टाइम लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, यानी FD RD। FD RD में क्या होता है आपको पता है, आप गए बैंक में इकट्ठा एक मुश्त पैसा लेके जाके रख दिए, बैंक ने कहा कि भाई 7 साल बाद आप आना आपका पैसा दोगुना मिलेगा, है ना, ये हो गया फिक्स डिपॉजिट, आपने पूरा पैसा FD कर दिया अपना। रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने आपने 500 रुपये की RD बनवा ली कि भाई हर महीने मैं 500 रुपये आपके पास जमा रहूंगा, बैंक कहता है इसका एक मेच्योरिटी पीरियड है, आपको इतने समय बाद आपका पैसा मेच्योर होगा तभी आप निकाल सकते हो, ऐसे नहीं कि डेली आगे ATM लगा के भाई RD वाला पैसा निकाल दो, नहीं निकाल पाओगे। उस पर लोन लोगे तो 75% लोन नहीं मिला, आपको कुछ पैसा कट के मिलेगा, वो भी वो आपका काट लेगा पैसा। तो दो प्रकार की लायबिलिटी होती हैं, इसको बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। हर बैंक के पास पैसा होता है, वो पैसा पूरा वो निकालता है, उसके पास टोटल NDTL कितना है। तो RBI कहता है कि आपके पास जो भी NDTL है, यानी कि जितना भी डिमांड लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है और जितना भी आपका टाइम लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, यानी जितनी FD RD आप कर रहे हो और जितना करंट और सेविंग अकाउंट है, ये पूरा पैसा आप क्या करिए, इस पूरे पैसे का 4% कैश में रख दीजिए चुपचाप, ठीक है, इसको बोलते हैं CRR।
यानी जितना पैसा आया आपके पास, NDTL आपके पास जितना आया, जितना आपके पास डिमांड और टाइम लेबिलिटी है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD, RD, जो भी पैसा है, उसका 4% उठा के कैश में चुपचाप रख दीजिए। किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में। कैश का मतलब कैश है ना, गड्डी होनी चाहिए, करारी। ऐसा नहीं है कि वो पैसा किसी और चीज़ के रूप में रखें, और दूसरे फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे, लिक्विड फॉर्म में चाहिए। और सबसे लिक्विड कैश होता है। यदि आपकी जेब में पैसा अभी, जैसे ये लिक्विड नहीं है, ये कम लिक्विड है, अब जैसे मुझे क्या करना हो, मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाए तो मैं अब इस मोबाइल को बेचने का दिमाग लगाऊंगा, तो ये लिक्विड है, 10 दिन लग जाएंगे, इसकी जो मुझे वैल्यू चाहिए वो वैल्यू 10 दिन लग जाएंगे मुझे मिलने में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सबसे लिक्विड क्या है? पैसा। आप देखते हैं दूसरा लिक्विड, लिक्विडिटी में देखा जाए तो गोल्ड भी लिक्विड है। सोना यदि चाहो तो आप तुरंत मार्केट में बेच सकते हो। जो ब्लैक मनी रखते हैं वो डॉलर भी ले लेते हैं। भारतीय पैसा देखते हैं कि 500 की नोटों की गड्डी बन जाएगी तो डॉलर खरीद लेते हैं, इतने से पाउंड खरीद लेते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है उसको, वो भी लिक्विड ही है, उसको भी मार्केट में तुरंत एक्सचेंज करा लोगे। तो लिक्विडिटी भारत के लिए सबसे लिक्विड कहा जाए तो हमारा रुपया ही है। तुरंत मुझे चाहिए, आप हर महीने तुरंत तैयार हो जाएंगे, अच्छा लीजिए सर रुपये में काम हो जाएगा हमारा। तो वो कहता है कि 4% आपको इसमें रख देना है। क्यों? काम आएगा बुरे वक्त में, यही पैसा काम आएगा आपका, ठीक है, जब पैनिक। ये सब बना के रखा उसने पूरा मैकेनिज्म RBI ने। तो पूरे पैसे का उसने क्या किया, 4% वहां रखवा दिया CRR में। कितना बचा? 96 बचा, है ना, 96 बचा। अभी 4% है, कल के दिन RBI कह दे नहीं 4 नहीं 8 रखना है तो कितना बचेगा? अब खुद बताइए, जब 4% था, यदि ये 4% इसको रखता है, अब मान लीजिए इसको RBI की सोचे कि मार्केट में पैसा कम है, इसको ऐसा करते हैं 2% ही कर देते हैं। भाई बैंकों के पास जो पैसा बचेगा उसको तो लोन ही में उठाना चाहेंगे ना, RBI इसको 4 करवा दे रहा है, यानी उनके पास 96 बच रहे हैं, तो 96 के आसपास, अभी 96 नहीं उठाएंगे। दूसरा रूप भी है SLR, इस रूप में भी पैसा रखना पड़ता है, लेकिन मैंने पहले CRR से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से महंगाई कंट्रोल होगी या नहीं होगी। यदि CRR घटेगा बढ़ेगा तो बैंकों के पास पैसा घटेगा बढ़ेगा कि नहीं घटेगा बढ़ेगा, बताइए। यदि 4% है तो 96 है, 8% कर दे वही तो वही 92 बचेगा, तो यानी वो पैसा कम उठा पाएंगे ना मार्केट में, लोन में कम दे पाएंगे ना आपको, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं बता रहा? तो CRR पैसे को मार्केट में कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, फ्लो को ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है आसानी से, है ना। यदि RBI इस रेट को कम ज्यादा करे तो क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसे का फ्लो कम या ज्यादा हो जाएगा, यही CRR है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो जो हर बैंक को अनिवार्य रूप से रखना होता है, अपने टोटल जो हर व्यापारिक बैंक जितने भी हैं, अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का वो क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात RBI के पास रखते हैं नगदी के तौर पे। CRR अभी समय 4% चल रहा है, और RBI को यदि चाहिए कि भाई मार्केट में महंगाई बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो RBI इसको 6% कर दे, तो बैंकों का 6% का मतलब 2% और पैसा रख लिया आप, तो उनको क्या करेंगे। तो ये चीज़ एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, RBI कहता है ठीक है, आप 4% मेरे पास, अभी 4% है CRR में, आपने मेरे पास नगदी में पैसा रख दिया, लेकिन नगदी 4% से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ पैसा SLR में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये है सावधिक तरलता अनुपात। इसमें क्या है, बैंकों को अभी ये 19% है SLR, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंकों को अपना जितना भी पैसा है, व्यापारिक बैंकों को अपने NDTL का एक निश्चित अनुपात, यानी जो RBI तय करता है कि भाई अभी कह रहा है कि 19% पैसा अपना कहाँ रख दीजिए, आप नगदी में रख दीजिए, आपकी मर्जी हो तो आप नगदी में रखिए, आप चाहें तो उसको सोने के रूप में भी रख सकते हैं, पूरे पैसे का सोने खरीद लीजिए और रख दीजिए, ठीक है, या फिर सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख दीजिए। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए अभी क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, बुलेट ट्रेन परियोजना ला रहा है, और देख रहे हैं पैसा नहीं है उनके पास, तो ऐसा थोड़ा ना कि RBI गवर्नर को फ़ोन लगाए भाई 4 पेटी भेज देना, ऐसा तो होता नहीं है कि भाई 4 पेटी एक ठेला पैसा भेज देना, ऐसा नहीं होता है, ये सब रूल नहीं है कि RBI को मशीन लगी है छप रहा है पैसा, ऐसा नहीं है, इतना वो तो नहीं होता। RBI से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्याज में पैसा लेगी, फ़ोन लगाएगी कि सर पैसा चाहिए, कितना चाहिए, अब पूछेंगे कि भाई आप कैसे पैसा लेने का, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही पैसा पकड़ा दिया, अच्छा आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, संचित निधि में पैसा नहीं है, चलो इस पे ले लो। तो RBI कहता है कि आप हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दीजिए,
हमें सिक्योर करिए कि हमारा पैसा वापस आ जाएगा ये पैसा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक कागज का टुकड़ा है, मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कुछ नहीं है, उसमें लिखा होता है कि भारत की संचित निधि द्वारा, और जो पैसा हम लेंगे उसमें 8% लोन देंगे, ब्याज देंगे, उसकी एक ब्याज भी देनी होती है भारत सरकार को। ऐसा नहीं होता कि बस पैसा पहुंच गया और आराम ऐश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक एक प्रतिभूति, एक बॉन्ड बना के भारत सरकार को देना होगा, उसमें लिखा होगा कि ये पैसा भारत सरकार के द्वारा इस अवधि के लिए लिया जा रहा है और इस पैसे को आप इतना प्रतिशत इंटरेस्ट पे आरबीआई दे रहा है। वो सब चीज़ें बॉन्ड में होती हैं, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई क्या करेगा, अपने पास, जैसे मान लीजिए मोदी जी ने कहा कि भैया भारत सरकार ने कहा कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो 50 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पहले जमा कर दो। तो 50 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा कर दी गई। स्टैम्प पेपर देखते हैं ना, उसमें लिखा होता है 10 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए। वो 5,000 रुपए होते हैं क्या? कागज का टुकड़ा है लेकिन उसमें भारत सरकार की क्वालिटी है। एक कागज का टुकड़ा है, उसमें लिखा हुआ 1,000 रुपए, भारत सरकार ने कहा कि अब ये रुपया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भारत सरकार ने मना कर दिया, इलीगल है। नोटबंदी में यही तो हुआ, अचानक से पूरे वही रुपये आप लेके गुलछर्रे उड़ा रहे थे, वही लेके आप सिर ठोक रहे थे कि ये कहाँ से आ गया मेरे पास। तो मुद्दा ये है कि वो एक एक तरीके से उसमें लिखा होता है भारत सरकार द्वारा, उसमें भारत सरकार के द्वारा एक गारंटी दी गई है इस मुद्रा की, वो गारंटी और कुछ नहीं है, है ना, एक प्रॉपर गारंटी है उस पे। वैसे ही एक कागज का टुकड़ा सरकारी प्रतिभूति होती है जो भारत सरकार अपनी गारंटी दे देता है कि भाई 50 करोड़ रुपए इनकी वैल्यू है इन कागज के टुकड़ों की, और जब हमें जरूरत होगी हम इनको वापस ले लेंगे और पैसा वापस कर देंगे। तो आरबीआई के पास तो 50 करोड़ किस रूप में आ गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, भारत सरकार की सरकारी प्रतिभूतियां इन्हीं को बोलते हैं। समझ गए कि नहीं सरकारी प्रतिभूतियां क्या है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, और मैं बहुत आसानी से प्रयास कर रहा हूँ इसको। मैं चाहूँ तो बहुत टिपिकल भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इकोनॉमी बहुत इजी चीज़ है, इजी ही समझ में आए। तो सरकारी प्रतिभूतियाँ कुछ नहीं है, एक कागज़ का टुकड़ा होती है जिसमें एक वैल्यू लिखी होती है, 50 करोड़ भारत सरकार देगी, आरबीआई भेज देगी कि लीजिए 50 करोड़, आनंद कीजिए, जो करना है करिए, बनाइए बुलेट ट्रेन, कल के दिन उससे पैसा है तो वापस कर दीजिएगा, आपका टाइम ये है, इतना इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको। ऐसे सिस्टम बना हुआ है, ऐसे नहीं कि बस खुला मशीन है तो मशीन छापे रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका SLR है, व्यापारिक बैंक अपने टोटल NDTL का एक निश्चित अनुपात नकदी में रख लें, चाहे सोने में रख लें, चाहे सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख लें, ठीक है। तो 19% अभी RBI ने कह रखा है कि आपको टोटल जितना आपके पास पैसा है NDTL, जितना आपने करंट और उसमें, 4% तो CRR के रूप में रखना ही रखना है, ये नकदी के रूप में ही रहेगा, लेकिन आपको 19% और पैसा चाहे गोल्ड में रख लीजिए, चाहे सरकारी प्रतिभूतियों में रख लीजिए, चाहे नकदी में रख लीजिए। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो 4% CRR है, इसमें किसी बैंक को बेनिफिट होगा? मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए कैश आया, मैंने 100 रुपए रख दिए, उसमें क्या बेनिफिट होगा मुझे? कोई इंटरेस्ट नहीं, अरे CRR में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, वो आया और चला गया, वही 100 की नोट 100 रुपए की वैल्यू रहेगी उसकी। लेकिन मान लो 100 रुपए का मैं सोना खरीद लूँ, तो सोने के रेट घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, दोनों चीज़ें, तो उसमें रिस्क है ना। तो ये जो 4%, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, 0 इंटरेस्ट, RBI कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है। CRR में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बैंक का कोई बेनिफिट नहीं होता 4%, वो पैसा उसका उसी रूप में रखा रहता है कैश के रूप में, ठीक है। और SLR में जो पैसा है वो नकदी में है, सोने में है, सरकारी प्रतिभूतियों में है, और बताओ कोई दिक्कत हो तो इतने में। नहीं नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, वो अलग है, ठीक है। हाँ CRR बैंक चाहे, नहीं नहीं उसे मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, नहीं निकाल सकती। नहीं नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, बैंक है वो, आपका पैसा नहीं है, ये बैंक के लिए बात हो रही है, बैंक के, बैंक क्या करेगा CRR और SLR को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, आपका नहीं है, आपने बैंक में दे दिया, बैंक को कैसे आपका पैसा रखना है वो अलग तरीका है। बैंक के पास जो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ उसका 4% CRR में रखना पड़ेगा और 19% SLR में रखना पड़ेगा। ये RBI हर 2 महीने बाद बताता है कि अब कितना इसको, अभी तो पहले 21 था, 21 से घटता घटता भी घट रहा है, तो अब मान लीजिए इसको यदि बढ़ा दिया जाए, इसको 25 कर दिया जाए,
अभी टोटल कितना हो गया CRR और SLR मिलाकर, 4% CRR है, 19% है, 23%, ठीक है, घटाइए 100 में कितना बचेगा, 77% पैसा बचा बैंक के पास, 23% जमा हो गया, वो पैसा का यूज़ नहीं कर सकते, उस पैसे को आपको अनिवार्य रूप से रखना ही पड़ेगा। और हर 15 दिन में ट्रैकिंग होती है इसकी, जैसे फ्राइडे, हर फ्राइडे को, जैसे आज फ्राइडे है, इसके बाद अगला फ्राइडे और उसका अगला फ्राइडे, हर 15 दिन में ट्रिक ट्रैक की जाती है, और यदि ये काम नहीं करता कोई बैंक तो उसके ऊपर दंड लगाया जाता है बड़े स्तर का, ठीक है, करना ही पड़ेगा हर बैंक को। अपने टोटल NDTL का 4% CRR और SLR आपका 19%, ठीक है। तो मान लीजिए SLR को बढ़ा दे बैंक, RBI को अब मार्केट से पैसा खींचना है, तो SLR को कर दे वो 25%, तो बैंक के पास पैसा कम हो गया, और बैंक के पास यदि पैसा कम हो गया तो बैंक क्या करेगी, पैसा कम ही देगी मार्केट में, है ना। तो एक ये भी टूल्स है जिसके द्वारा मार्केट का पैसा लिया जा सकता है RBI के द्वारा। RBI को लग रहा है कि मार्केट में इस समय पैसा नहीं है, तो RBI इसको घटा के 15 ही कर दे, इतना लंबा फ्लक्चुएशन नहीं होता, पॉइंटों में करता है, जैसे 18.5 चला गया कभी कभी, है ना, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, या फिर ये 19 का 19.5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 1% भी बहुत रोल अदा करता है, महंगाई की दर के हिसाब से RBI इसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, अभी से आप एक चीज़ समझिए, यदि ये बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है, यानी मार्केट में पैसा भेजना है तो इसकी दर को घटा दिया जाएगा, ठीक है, इसको 18 कर दीजिए, 17 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, तो बैंकों के पास पैसा बढ़ा। भाई बैंकों के पास यदि खुद का पैसा है तो उस पैसे को रोक के नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके खर्चे, उनको घुमाना है उस पैसे को, उनको आपको क्रेडिट कार्ड देना है, उनको आपको लोन देना है, उनको आपको दुनिया भर का, लेकिन RBI ने कहा है कि CRR और SLR से नहीं छू लेना, ये पैसा आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों, कल के दिन मान लो पैनिक आ जाए, कुछ आ जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, आप दिवालिया हो जाए, आप भाग जाए, आप कुछ भी करें, तो मेरे पास ये सिक्योरिटी के तौर पे आपका पैसा रहना चाहिए, और इस पैसे का यूज़ तब किया जाएगा, समझ रहे हैं। SLR और CRR मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों हैं, दोनों का बहुत बड़ा यूज़ है, ये दोनों समझ गए, ठीक, आगे बढ़ूँ अब मैं, ठीक। हाँ, टोटल जो बैंक के पास टोटल इकट्ठा हुआ ना, मैं तो अकेला कस्टमर तो हूँ नहीं बैंक के पास, बैंक के पास बहुत सारे आप जैसे कस्टमर हैं, और उन सभी कस्टमर्स का पैसा टोटल NDTL को इकट्ठा करके निकाला जाता है CRR और SLR, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो टूल्स तो ये हो गए RBI के, अगला टूल्स है जिसको बोलते हैं रेपो रेट। दरअसल क्या होता है, बैंकों के पास कभी कभी मान लीजिए पैनिक आ जाता है, उनके पास पैसा नहीं रहता है, ज़्यादा पैसा लोन में उठा रखा है ना, कभी कभी होता है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, नई नई ब्रांचेस डालनी है, कर्मचारी बहुत सारे, उनकी सैलरी दे, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, खर्चों के तरीके बहुत सारे होते हैं, लाइट बिल भरना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो बहुत सारे तरीकों में बैंक के पास पैसा नहीं होता, या फिर मान लीजिए कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि मैक्सिमम पैसा लोन में उठा होता है और मार्केट्स में ज़्यादा लोग निकालने के लिए आते हैं, तो बैंक को कुछ समय के लिए लोन लेना पड़ता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, इसको बोलते हैं रेपो रेट, अल्पावधिक, है ना, अल्पावधिक ब्याज, अल्पावधिक लोन बोलते हैं, अल्पावधिक ऋण बोलते हैं। तो अब इसको समझिए, जिस दर पर RBI, रेपो रेट का मतलब क्या है, जिस दर पर RBI व्यापारिक बैंकों को अल्पावधिक ऋण प्रदान करती है, बैंक RBI से पैसा लेते हैं, जैसे बैंकों को जरूरत पड़ गई तो RBI के पास जाएंगे और कहेंगे कि भैया हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, 4 दिन बाद लौटा दूंगा, मैक्सिमम अवधि इसकी 15 दिन होती है, यदि आपको 15 से कम दिन के लिए पैसा लेना है तो आप रेपो रेट के थ्रू जा सकते हैं, समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे, ठीक है। यदि आपको अल्पावधि कुछ समय के लिए बैंकों को पैसे की जरूरत है, कभी कभी पड़ जाता है, तो क्या करेंगे आप, इसको लेंगे आप, इसको बोलते हैं अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराता है, इसको बोलते हैं रेपो दर। रेपो दर कुछ नहीं है, बैंकों को जब पैसे की जरूरत होती है RBI के पास जाते हैं, RBI कहते हैं अच्छा क्या रखोगे इसके एवज में, भाई पैसे तो लेके जा रहे हो, कुछ गारंटी तो रख के जाओ, तो बैंकों के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के आते हैं, यदि 100 करोड़ रुपए चाहिए तो 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिए हमारे पास, और एक साइन होता है कॉन्ट्रैक्ट कि कल के दिन, जैसे अभी रेपो रेट चल रहा है आपका 5.75%, तो यदि 100 करोड़ आपने लिया, ठीक है, 100 करोड़ आपने लिया, तो 100 करोड़ की आपने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे पास रख दी RBI के पास, और उसमें बकायदा साइन होता है कि आपको, आप क्या करेंगे 15 दिन से पहले या जो टाइम आपने दिया है उस टाइम पे आकर आप 105.75 लाख रुपए में इसको खरीद लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जो मुझे रख के गए हैं आप,
यही है रेपो रेट और कुछ नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? अब वो मैं मोटा मोटी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अपना निकाल लीजिए ब्याज। मैं अभी यहाँ पे ब्याज नहीं पढ़ा रहा आपको, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का अलग फार्मूला होता है, अपना निकाल लीजिए उसको कि मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटे सौ, वो कर लीजिए, वो आपका काम है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि रेपो रेट का मतलब ये है कि रेपो रेट जब आरबीआई से बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो अल्पावधिक ऋण ले सकते हैं, और वो जो ऋण की दर होती है वही आपकी। ठीक, समझ में आया कि नहीं? हाँ, पढ़ाऊंगा ये चीज़ें, बैंकिंग सिस्टम आएगा आगे, बैंकिंग में उसको बताऊंगा, थोड़ा सा बस उसको ध्यान रखिए। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या है, सब जो सब व्यापारिक बैंक ही हैं। ठीक है, बताऊंगा उसके बारे में। तो जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि बैंकों को सिर्फ और सिर्फ कम समय के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है, कभी कभी अधिक समय के लिए भी पैसा चाहिए होता है, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। मान लो नया पूरा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाना है, नई बिल्डिंगें ही बनाना है, बड़े स्तर पे खर्चा करना है और नहीं है पैसा, तो उसके लिए बैंक भी लोन लेता है। बैंक आपको लोन जरूर देता है लेकिन वो भी लोन लेता है। वो किससे लेता है? आरबीआई से लोन लेता है, बड़े स्तर पे लोन लेता है, छोटी मोटी रकम नहीं लेता है, 500 करोड़, 100 करोड़। ठीक है, उसको बोलते हैं बैंक रेट, बैंक दर होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंक रेट। जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है उसे बैंक दर कहते हैं। तो लघुकालीन ऋण को रेपो रेट कहते हैं और दीर्घकालीन ऋण को बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये दीर्घ और आप लघु को समझिए। दीर्घ क्या है? बैंक रेट। यदि मुझे लॉन्ग टाइम के लिए लोन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? बैंक के रूप में जाएगा, बैंक रेट के थ्रू जाएगा। और शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो रेपो रेट के थ्रू जाएगा आरबीआई के पास। ये दो चीज समझिए पहले। ठीक है, इसको कहते हैं। अब देखिए एक चीज बताऊं, बैंक के पास मान लीजिए पैसा आ गया, और बैंक के पास जब पैसा आ जाता है तो बैंक ऐसा तो है नहीं कि उस पैसे से, बैंक के पास जो पैसा आ गया उसको रख नहीं लेगा अपने पास, और वो जरूरी ऐसा भी नहीं कि सबको बुलाएगा लाइन से, लगो मैं सबको लोन देता हूँ, ऐसा भी नहीं करेगा। लोन में टाइम लगता है ना, आपके कागज चेक करेगा, आपका क्रेडिट चेक करेगा, आपका सब कुछ चेक करेगा। ऐसा तो कर नहीं देगा कि लाइन से लगाइए सबको, एक तरफ से पैसा बांटता चला जाता हो कि 5 लाख लोन तुम्हें, 15 लाख तुम्हें, ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा, सब विजय माल्या निकल जाएंगे। तो बैंक ऐसे पैसा नहीं बांटता किसी को, बैंक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से पैसा बांटता है तब देता है। और ऐसा नहीं कि कस्टमर लोन लेने के लिए बाहर ही खड़ा है, लोन तो सबको चाहिए लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगता है, सब कुछ लगता है। आप तो पैसा जमा करके चले आए कि अब तो मुझे 4% मिलेगा। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को संजोए रखे रहेगा कि जब कोई आएगा लोन लेने तब उठाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा? नहीं, बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट करके रखता है, तुरंत इन्वेस्ट कर देता है। जैसे बैंक क्या कर सकता है, बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। बैंक एक काम कर सकता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले, सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद ले। सरकारी प्रतिभूतियाँ अपने पास खरीद लेगा तो खरीदने पर उस पर 8% का इंटरेस्ट मिलता है, उसे 8% का उस पर बेनिफिट होता है। ठीक है, तो बैंक क्या, कई बार क्या होता है कि जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है या कुछ होता है तो अपने पैसे को आरबीआई के पास रख देते हैं। ठीक है, और आरबीआई के पास रख देते हैं तो आरबीआई के पास जब पैसा रखते हैं कम समय के लिए कि भाई हमारे पास पैसा है कम समय के लिए, कल के दिन उठा लेंगे, उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है तो रिवर्स रेपो रेट की दर लेता है, और जब बैंक आरबीआई से पैसा लेते तो रेपो रेट के लिए अल्पावधि के लिए। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? दोनों चीज़ों को। रेपो रेट क्या है? अल्पावधिक ऋण है। किसके द्वारा लिया गया? बैंकों के द्वारा लिया गया। किससे लिया गया? आरबीआई से लिया गया। रिवर्स रेपो रेट क्या है? आरबीआई ने बैंकों से ले लिया। ठीक है, और इनके सबके दर हैं। रेपो रेट है, इस समय चल रहा है 5.75%। यदि बैंक पैसा लेगा तो बैंक को इतने ब्याज दर पे पैसा मिलेगा, और यदि अपना पैसा रखेगा तो कम, 5.5% है इस समय, 5.5% जो है रिवर्स रेपो रेट है, यानी आरबीआई कम देगा, लेगा ज़्यादा देगा कम। ठीक है, और इसके बाद क्या है? बैंक रेट इस समय 6% चल रहा है। यदि दीर्घकालीन लोन लेना है तो आप बैंक रेट के थ्रू लीजिए। अब देखो इससे महंगाई कैसे कंट्रोल होगी अभी मैं बताऊंगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत आसानी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला है आपका, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इसे समझिएगा, ये पहले व्यवस्था नहीं थी, ये पहले, ये 2011 में इन्वॉल्व की गई, और ये एक तरीके से मान के चलिए कि भाई
जब भी आपको रिवर्स रेपो रेट के लिए पैसा लेना है, आपको रिवर्स रेपो रेट में पैसा यदि आप कुछ समय के लिए लेना चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा, रेपो रेट के थ्रू आपको अल्पावधिक ऋण लेना है, तो ऋण लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ना। किसको और किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, है ना। तो एमएसएफ में क्या होता है, एमएसएफ में एक ऐसी सुविधा दी जाती है जिसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, केवल ये सुविधा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई की आरबीआई अधिनियम 1934 में अनुसूची 2 में लिखे होते हैं। सब शेड्यूल्ड है, लिखे हो, एक अनुसूची, एक अधिनियम है, आरबीआई अधिनियम 1934 जिसके तहत आरबीआई बना है, उसकी एक सूची है, जिस सूची में कुछ बैंकों के नाम लिखे हुए हैं, वही शेड्यूल्ड बैंक है, अनुसूचित बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं उनके लिए एक विशेष सुविधा दे दी गई। कब दे दी गई? जब 2011 में दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि वो अपने व्यापार को अच्छी तरीके से कर सकें, अपने पैसे को जरूरत पड़ने पे ले सकें, तो एक ऐसी उनको सुविधा दी गई है एमएसएफ के तहत कि जो टोटल उनका एनडीटीएल है, टोटल उनके पास जो नेट ऑन डिमांड लायबिलिटी है, उसका 2% ऋण और ले सकते हैं वो कम समय के लिए। लेकिन उसके लिए वो क्या करें, एसएलआर में जो पैसा रखा हुआ है, एसएलआर में यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनके पास रखी हुई है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी उपयोग कर सकते हैं। नहीं समझे? नहीं समझ में आया ना? हाँ, एमएसएफ बहुत कम समझ में आता है। एमएसएफ कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, रेपो रेट के थ्रू पैसा आप लेते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, कम है, आपको चाहिए 500 करोड़, आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि आपने बाकी यहाँ पे रख रखी हैं, यहाँ रखनी पड़ेगी ना आपको पैसा, 19% तो आपने यहाँ रखा, अनिवार्य है वो, आपको वो मेंटेन करके ही रखना है। लेकिन आरबीआई ने कह दिया कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए मैं सुविधा देता हूँ कि आप क्या करिए, आपको यदि ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने यहाँ से भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाल सकते हैं और वो मुझे दे करके ऋण ले सकते हैं। लेकिन कितना ऋण लेंगे उसमें? केवल 2% ही ऋण लेंगे टोटल एनडीटीएल का अपने, ओवरनाइट पैसा, अल्पावधिक ऋण ले सकते हैं। इसी को बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक जाता है, कहता है मुझे एमएसएफ के थ्रू पैसा दे दो, मेरे पास अब मुझे अपने एसएलआर से पैसा थोड़ा निकालना पड़ेगा। आरबीआई कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया बात को? एमएसएफ कुछ नहीं, अल्पावधिक ऋण ये भी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये भी एक अल्पावधि ऋण है, लेकिन ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक एसएलआर के जो प्रतिभूतियां उनका उपयोग कर सकते हैं इसके थ्रू, यही है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक। इसके बाद अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई के पास बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी हुई है, कौन दिया है आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी? किसने दिया? भारत सरकार ने। भारत सरकार को पैसा चाहिए था तो पैसे में गवर्नमेंट सिक्योरिटी छाप के दे दी कि लीजिए आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिए, मुझको दे दीजिए पैसा, कल के दिन मेरे पास आएगा तो मैं आपको वापस करूंगा, मेरी सिक्योरिटी वापस कर दीजिएगा। आप भी बैंक से पैसा लेने जाते हो तो कुछ सिक्योरिटी रख के आते हो कि नहीं रख के आते? क्या रख के आते हैं? अपने घर के डॉक्यूमेंट, अपने कॉलेज की मार्कशीट, दुनिया भर की चीज़ें आप रख के आते हो। तो वैसे ही भारत सरकार ने भी क्या कर रखा है? सिक्योरिटी रख रखी है कि भैया कल के दिन मैं जब पैसा वापस करूंगा तो आरबीआई उन सिक्योरिटी को लेके देखेगा डेली कि अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी प्यारी सिक्योरिटी, ऐसे तो नहीं करेगा। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई को यदि खुले पैसा मार्केट से खींचना हो, मान लीजिए तो मैं क्या करूं, जैसे मार्केट में बहुत सारा पैसा है, तो आरबीआई एक काम और करता है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना चालू करता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उसके पास रखी है बहुत सारी, उनको बेचना चालू करता है मार्केट में। तो उससे क्या होगा भाई, कागज का टुकड़ा मार्केट में गया, उससे क्या आया? पैसा आरबीआई के पास। कागज का टुकड़ा मार्केट में गया, आरबीआई के पास आया पैसा, तो आरबीआई के पास पैसा आएगा तो महंगाई घटेगी कि बढ़ेगी? दिमाग बैठाओ, बाजार से यदि पैसा आरबीआई के पास जा रहा है तो महंगाई घटेगी, और यदि आरबीआई से पैसा मार्केट के पास जा रहा है तो ठीक, उसको मार्केट के पैसे को इधर उधर करना होता है, इधर का पैसा इधर, इधर का पैसा, और तरीके हैं वो, ये तरीके हैं, ये तरीकों के माध्यम से करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से। तो बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, सोचते हैं अरे बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, इस पैसे से चलो कुछ नहीं करते, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रख लेते हैं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद लेंगे तो कम से कम 8% ब्याज तो मिलेगा, 4% तो मुझे उपभोक्ता को देना है, और जो 4% बचेगा उससे मैं अपने खर्चे निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझ गए? नहीं समझे? इजी है, सब इजी है, बहुत आसानी से समझो। अब मैं फिर से आ रहा हूँ वापस समझाने, मौद्रिक नीति। मैं चाहता हूँ कि मौद्रिक नीति आज के बाद आपको भूले ना कभी भी, ठीक। फिर समझो,
आरबीआई के द्वारा मार्केट में धन का रेगुलेशन किया जाता है, मार्केट में पैसा भेजना है या नहीं भेजना हमारे लिए, हमारे इसीलिए भारत सरकार क्या कह रही है इस समय, डिजिटलाइजेशन कह रही है कि सब कुछ पूरा कैशलेस हो जाओ, सारा पैसा बैंक के थ्रू ही करो, पेटीएम करो, भीम पे करो, गूगल पे करो, दुनिया भर पे करो। वो क्यों आ रहा है सब चीज़ें, क्यों प्रमोट की जा रही है सब चीज़ें, ताकि सारा कुछ बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो जाए। कैश व्यापार जितना भी है सब ब्लैक मनी है, यदि उसको एंट्री नहीं कराई जाती तो कैश का काम सही नहीं है, इसलिए कैशलेस इकोनॉमी की बात की रही है। तो बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसा जो है वो रेगुलेट करती है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई को पता है कि पैसा जो है वो, अब देखिए ये बताइए, बैंकों में ब्याज मुझे ज़्यादा ना मिले, मान लीजिए बैंकों में ज़्यादा ब्याज ना मिले तो मैं क्या करूँगा, अपने पैसे को बैंकों में रखूँगा? नहीं रखूँगा, मैं उस पैसे को गोल्ड में रख दूँगा, मैं उस पैसे से डॉलर खरीद लूँगा, मैं उस पैसे से और कुछ कर लूँगा दुनिया भर के काम। तो बैंकों को प्रॉपर एक, आपको एक ब्याज देनी होती है, चाहे एफडी हो चाहे आरडी हो, आप भी दिमाग लगाते हैं कि कहाँ कहाँ पे मैं पैसा अपना रख सकता हूँ, कहाँ कहाँ पे मुझे पैसा रखना चाहिए, 50 दिमाग लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन तभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना जब आपको अच्छा रिटर्न आ रहा है, ऐसे तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे आप किसी भी चीज़ में, कोई भी पैसा आप लगा रहे हैं उसके लिए आपके दिमाग में एक ही चीज़ है कि आपको एक अच्छा रिटर्न आएगा तब आप पैसा लगा रहे हैं, मैं गलत तो नहीं हूँ ना, है ना, यही बात है, यही दिमाग हमारा होता है। तो हमें क्या होता है कि बैंकों, बैंक आपको एक ब्याज दर देता है, लेकिन बैंक को, अब जैसे ये रेपो रेट था, रेपो रेट को मान लीजिए आरबीआई बढ़ा दे, इसको कर दे 6%, तो बैंक को महंगा पैसा मिलेगा, है ना, तो बैंक को यदि महंगा पैसा मिलेगा तो बैंक क्या करेगा, आपको ब्याज कम देगा। बैंक को यदि सस्ता पैसा दे, अब जब आपको ब्याज कम देगा तो आपका दिमाग कम होगा, आप उस पैसे को, तो मुद्दा बस यही है, ये जैसे ही कम ज़्यादा होंगे तो वैसे ही बैंक भी अपनी ब्याज दर को कम ज़्यादा करेगा, और जब ब्याज दर को कम ज़्यादा करेगा, मान लीजिए ये हो गया आपका 6 या 7% कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, लोन में जो पैसा उठाएगा उसे महंगा कर देगा, जहाँ पे 8% में लोन मिल रहा था अब उसी को 10% कर दिया, तो आपने क्या किया, जो अपना मूड बना बनाया था कि भाई अभी घर खरीदना है खरीदना है, आपने कहा अभी थोड़ा सा रुक जाओ यार, बड़ा महंगा लोन है अभी नहीं खरीदेंगे, तो इसका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। आरबीआई क्या कर रहा है, बैंकों के पैसे के रेट को कम ज़्यादा करवा रहा है, अपने चेंज कर दे रहा है। ये सारे रेट क्या है, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, ओपन, ये सब आरबीआई के रेट है। आरबीआई इन रेटों को चेंज करता है तो बैंक भी अपने रेट को चेंज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बैंकों को यदि महंगे में पैसा मिलेगा, बैंकों को ज़्यादा ब्याज दर देनी पड़ेगी, तो वो भी तो आपको महंगा कर देंगे, वो भी तो ब्याज बढ़ा देंगे ताकि उस ब्याज को वो भी भर सकें, उनके खर्चे निकल सकें, तो बैंक भी अपने ब्याज को बढ़ाते घटाते हैं। और बैंक यदि महंगे में लोन देगा तो आप लोन नहीं लोगे और मार्केट से महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि आप पैसा नहीं है आपके पास, और यदि महंगे में, सस्ते में लोन देगी तो आप बैंक से खूब पैसा ले लोगे और आपकी महंगाई, यही दिमाग लगाता है आरबीआई, ये दिमाग है आरबीआई का, यही है मौद्रिक नीति, हर 2 महीने में इसको रिवाइज करती रहती है। समझ में आया कि नहीं आया, अब इसमें कुछ है नहीं, यदि अब ये ना समझ में आया तो दुर्भाग्य है, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि पैसे के रेगुलेशन को कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है इन तरीकों से। CRR मतलब कैश में आपको आरबीआई, बैंकों को ये फिक्स है कि आपको CRR और SLR में पैसा रखना ही रखना है, मुसीबत के टाइम काम आएगा आपके, 4% यहाँ रखना है और 19% यहाँ रखना है, मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा आपका, कर लीजिएगा फिर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। तो ये आपका पैसा अनिवार्य रूप से रखना होता है, आरबीआई चाहे तो यहाँ के पैसे की दर बढ़ा दे, इनको ज़्यादा बढ़ा दे, तो बैंक को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, लोन में कम उठा पाएगा वो, ठीक है, और लोन में कम उठाएगा तो ब्याज दर ऑटोमेटिक बढ़ा देगा, क्यों, अब क्योंकि उसको ज़्यादा खर्चा उसके ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्याज बढ़ाएगा, तभी उसके पास खर्चे पूरे होंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ब्याज दर यदि बढ़ गई, यदि बढ़ेगी तो वो लोन के रेट बढ़ा देगा कोई भी बैंक, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिन तरीके से, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना, यदि सेल करेगा तो मार्केट से पैसा आएगा आरबीआई के पास, या बैंकों से किसी के थ्रू पैसा आया तो आरबीआई के पास पैसा आ रहा है तो महंगाई क्या हो रही है, आरबीआई के पास यदि पैसा आ रहा है तो महंगाई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपके जेब का पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, और यदि आपके जेब में पैसा मैंने डाल दिया तो महंगाई बढ़ा देंगे आप, सिंपल और आसान भाषा में,
यही है मौद्रिक, यही सही चल रहा है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई यही ऐसे ही जनरेट हो रही है। ये हो गई एक बात, ठीक है, सिंपल, रुपया आरबीआई के पास जा रहा है तो मुद्रा के प्रवाह में कमी आएगी और महंगाई कम हो जाएगी। यदि आरबीआई से रुपया जा रहा है और मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो जब कभी महंगाई बढ़े तो ये सोचिएगा कि ये पॉजिटिव है, आपके जेब में पैसा आ गया, लोगों के जेब में पैसा आ गया, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग गए, लोगों की इनकम बढ़ चुकी है, तभी तो लोग खरीद रहे हैं, तभी तो महंगाई, तो महंगाई बढ़ना पॉजिटिव चीज़ होती है। इकोनॉमी एक चक्र है, इकोनॉमी में एक साइकिल बना हुआ है, वो पहिया हमेशा घूमते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो उतना वो, तो आरबीआई यही तो काम कर रहा है, चक्कर जैसे ही देखा बहुत तेज चलने लगा, महंगाई बढ़ गई, पूरा पैसा निकाल लिया, थोड़ा रुका चक्कर, कम खरीदना चालू किए, जैसे देखा रुक रहा है वैसे ही पैसा भेज दिया, फिर चालू हो गया वो। आरबीआई इकोनॉमी के साइकिल को बना के रख रहा, उस साइकिल को, उस चक्र को रोक नहीं रहा, जैसे ही रुका गड़बड़, वो देश मंदी में चला जाएगा, रिसेशन में चला जाएगा और दुनिया भर, अर्थव्यवस्था का चक्र चलते रहना चाहिए और इसमें मौद्रिक नीति के तहत काम करता है आरबीआई। तो महंगाई कैसे आरबीआई कम ज़्यादा करता है, समझ में आया कि नहीं आया? रेपो रेट क्या है, अल्पावधिक ऋण है जो बैंक लेते हैं, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट क्या है, अपने पैसे को आरबीआई के पास रखते हैं, सबकी ब्याज दरें हैं। बैंक रेट क्या है, दीर्घावधि लॉन्ग टर्म लोन है जो बैंक लेते हैं, ठीक है। MSF क्या है, एक प्रॉपर जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके लिए एक बेनिफिट दिया गया है कि आप अपने पूरे टोटल NDTL का 2% अपने SLR से भी निकाल करके आप अल्पावधिक ऋण ले सकते हैं, ये है और कुछ नहीं है, इसको कहते हैं मौद्रिक नीति, ठीक। RBI से पैसा बैंक में आता है जाता है ना, बैंक से पैसा आपके पास आता जाता है, और आपका पैसा आपके पास यदि ज़्यादा है तो आप खर्च ज़्यादा करेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, यदि आपके पास पैसा कम है खर्च कम होगा और महंगाई कम होगी। ये हो गई मांग जनित, जनता के द्वारा जो काम किया जाता है। लेकिन कई बार RBI महंगाई घटती पर, तभी तो हर 2 महीने में देखता रहता है इतनी कितनी महंगाई बढ़ी, 2 महीने बाद फिर से सब चेंज कर देता है, या फिर देखता कि महंगाई नहीं बढ़ी है तो सेम ही रखता है, घटाता बढ़ाता नहीं है, सेम प्रवाह, चलिए अभी चल रहा है, बढ़िया चक्कर घूम रहा है, बराबर घूम रहा है तो उतना ही रखेगा। जैसे देखा गड़बड़ हो रही है, देखा कि मार्केट में, अरे लोग कुछ खरीद नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, सस्ता करो इनको, इसको 3% कर दो, इसको 18.5% कर दो, इसको सब जगह कटौती कर देगा, ठीक है। यही होता है, जब कभी देखिएगा डिबेट वगैरह में यही बहस चल रही होती है और कुछ नहीं होता। मैंने बहुत आसानी से बहुत सिंपल भाषा में आपको बताया है, अब यही चीज़ें किताबों में पढ़ोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, मौद्रिक नीति समिति एक बनाई गई है, इससे क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि अभी आपने जब उस टाइम पे रघुराम राजन जी थे और वित्त मंत्री थे, तो देखो RBI देखा जाए तो एक स्वायत्त संस्था नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, RBI काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी RBI को काम करना पड़ेगा, RBI ऐसा नहीं अपने मन मर्जी की चलाएगी चीज़ों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है कि केंद्र और RBI के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए एक मौद्रिक नीति समिति बनाई गई, ठीक है, जिसका काम है ये मौद्रिक नीति बनाना, CRR कितना होगा, SLR कितना होगा, रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, बैंक रेट कितना होगा, MSF कितना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन कितना होगा, ये सब कितना होगा, अब ये कौन बनाएगा, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी। उर्जित पटेल समिति ने ये रिकमेंडेशन किया था और उस समिति को रिकमेंडेशन को मान लिया गया। इस समिति में 6 सदस्य होंगे, 6 लोग होंगे। अभी क्या हो रहा था, अकेला एक आदमी बना रहा था, एक आदमी के सिग्नेचर डिसीजंस पे था। तो कई बार अब वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते रहते थे अर्थव्यवस्था नहीं घूम रही है, नहीं, दरअसल रघुराम राजन जी एक अलग सोच के व्यक्ति थे, वो कहते थे कि मैं मार्केट को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहता हूँ। हमेशा वित्त मंत्री को क्या चाहते हैं, वित्त मंत्री चाहते हैं कि लोगों को चीज़ें सस्ती हों, लोगों को ज़्यादा चीज़ें वो ना पड़े, लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी से मिल जाएँ, तो वो चाहते हैं कि मार्केट में खूब पैसा रहे, वित्त मंत्री तो यही चाहेंगे, है ना, वो एक सरकार के आदमी है। लेकिन रघुराम जी राजन कह रहे थे कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मार्केट क्या रहे, स्टेबल बनी रहे, ताकि हमारे यहाँ पे नए नए इन्वेस्टर्स आ सकें। कोई इन्वेस्टर तभी आता है ना किसी जगह पे जब वो मार्केट, अभी जैसे सोना है, सोना की मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, अब आप डर रहे हो कि सोने में निवेश किया जाए कि ना किया जाए, सोना खरीद लेंगे बड़ा सस्ता हो रहा है, कभी बड़ा महंगा हो रहा है, डेली 600 रुपये ज़्यादा, 600 रुपये कम, जब से बजट आए तब से और महंगा हो गया, 35,000 चला गया, तो मार्केट इन्वेस्टर नहीं जा रहे, निवेशक थोड़ा शांत है, देख रहे हैं। निवेशक तब जाता है जब मार्केट थोड़ा शांत होती है, तब जाके चुपचाप घुस जाता है, फिर इंतजार करता है कि बढ़ेगी, मुझे बेनिफिट होगा,
और कभी कभी नीचे भी चली जाती है बहुत सारे रीजन्स से। तो रघुराम जी चाह रहे थे कि मैं इसको फिक्स बनाए रखूँ, ज़्यादा इसको फ्लक्चुएट ना करूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं किसी भी चीज़ को, और हर बार जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती थी तो यही होता था कि चीज़ें फिक्स रहती थी, सेम रेपो रेट भी उतना, रिवर्स भी इतना। उसमें तो जेटली कहते, हर जगह कहते, हर मंच में जाते थे, इकोनॉमिक फोरम में हर जगह जाके यही कहते थे कि इनको कम करना चाहिए, इनको कम करना चाहिए, इनको कम करना चाहिए। लेकिन रघुराम जी राजन नहीं सुनने वाले आदमी, तो अलग ही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई, और अब चूंकि वो पहले एक आदमी का डिसीजन होता था तो आरबीआई गवर्नर से कई बार थोड़ा सा सरकार के मतभेद भी हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अब एक कमेटी बना दी गई जिसमें 6 मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें आरबीआई के गवर्नर हैं यही अध्यक्ष होते हैं, डिप्टी गवर्नर एक होगा आरबीआई का, ठीक है, केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निर्देशक जो होंगे, ठीक है, और 3 विशेषज्ञ होंगे जो सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है, 3 जो सदस्य होंगे। अब ये सरकार के प्रतिनिधि भी पहुंच गए तो सरकार को भी टेंशन नहीं है। और ये कौन कौन होंगे, अर्थशास्त्र में, बैंकिंग में, वित्त में, मौद्रिक नीति बनाने में, ये लोग ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़े विशेषज्ञ होंगे, जानकार होंगे, इनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और यही लोग जो है, ये 6 सदस्य की जो जो ये 6 मेंबर हैं, यही मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, ये कमेटी आपकी। अब इस कमेटी, ठीक है, कमेटी के बारे में क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं इस समय एग्जाम में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही बनी है, तो इस कमेटी के बारे में जानकारी रखिएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल 6 सदस्य हैं, जिसमें आरबीआई, डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक, 3 विशेषज्ञ हैं जो कि सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। अब आगे चलते हैं, मौद्रिक नीति का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। मौद्रिक नीति यानी कि आपका जो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ने से प्रॉफिट क्या होता है, मौद्रिक नीति कम और ज़्यादा करने पर क्या बेनिफिट होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा भेजने पर क्या बेनिफिट होगा। महंगाई अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझते हैं, आपको अभी समझ में आएगा। अब मैं सबसे पहली चीज़, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी यानी कि महंगाई बढ़ेगी। महंगाई यदि चीज़ों की बढ़ेगी, कोई चीज़ यदि बहुत महंगी हो रही हो, कुछ हो रही हो, तो जो उत्पादक वर्ग है वो नए निवेश के लिए प्रेरित हो जाएगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, अरे ये चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, तो क्या करेगा, नए निवेश के, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो मैं भी चला जाऊँगा कि मैं भी उस चीज़ पे वो बिज़नेस मैं भी खोल लूँ, है ना। कहीं पे कोई चीज़ की डिमांड होती है तो उस चीज़ पे ज़्यादा लोग जाते हैं ना, ज़्यादा लोग बिज़नेस करते हैं। तो जब कोई चीज़ की मांग बढ़ेगी और वो चीज़ की महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ने से क्या होगा, कई लोग उस चीज़ पे निवेश करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, और जब ज़्यादा लोग निवेश करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे तो जीडीपी में वृद्धि हो जाए, उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। जब ज़्यादा लोग लग जाएंगे किसी चीज़ पे, एक ही चीज़ का उत्पादन या मार्केट में उत्पादन करने लग जाएंगे, प्रोडक्शन करने लग जाएंगे, तो उत्पादन बढ़ जाएगा देश का, और उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा हमारे देश का, और जीडीपी बढ़ जाएगा तो रोजगारी बढ़ जाएगी, रोजगार भी बढ़ेगा, नए नए रोजगार मिलेंगे लोगों को, और नए रोजगार बनेंगे तो बेरोजगारी दर कम हो जाएगी। जो बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार हैं, उनको काम का मिलने लगेगा। जब लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी, और जब व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो अपने पैसे को बैंक में, बीमा में, है ना, ये सेक्टर में जाकर अपने पैसे को बढ़ाएंगे, तो बैंकिंग और बीमा क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग टैक्स देना भी शुरू कर देंगे, भाई मेरी इनकम ज़्यादा होगी या मैं बढ़ेगा तो मैं भी टैक्स स्लैब में आ जाऊँगा, तो लोग क्या करेंगे, करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी, और जब कर की संख्या में वृद्धि होगी तो सरकारी राजस्व बढ़ेगा, सरकार के राजस्व में ज़्यादा पैसा जाएगा, ज़्यादा टैक्स देने वाले होंगे। तो जब सरकारी राजस्व बढ़ेगा तो सरकार क्या करेगी, आधारभूत संरचना में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, ज़्यादा सड़कें बनवाएगी, ज़्यादा रेलवे बनवाएगी, ज़्यादा, तो लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार काम करती है तो ज़्यादा काम करना सरकार शुरू कर देगी, और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्त का प्रबंधन करने लग जाएगी कि ताकि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें मिलने लगे। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा किसी भी कंट्री में, ठीक है। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो देश का जो भी चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी उनका हम एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, निर्यात करना चालू कर देंगे, और जब चीज़ों का निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमारा बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास ज़्यादा आएगा, विदेशी धन आना चालू हो जाएगा देश के अंदर, और हमारे देश का रुपया मजबूत हो जाएगा। चूँकि बाहरी पैसा बहुत आ रहा है और रुपया जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है, और रुपया, तो रुपया की मजबूती बढ़नी चालू हो जाएगी, और रुपया मजबूत होगा तो वैश्विक आर्थिक विश्वसनीयता भारत की बढ़ेगी, हमारे देश की बढ़ेगी। तो महंगाई अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, ठीक है, ये एक पूरा का पूरा
ठीक है, ये सिनेरियो क्रिएट होता है जब महंगाई बढ़ती है, लोग रोने लगते हैं अरे महंगाई बढ़ गई, दाल बढ़ गई। ये कुछ नहीं होता, आपका पैसा बढ़ा है आपके जेब में तब दाल महंगी हुई है, या फिर ये भी हो सकता है कि दाल का प्रोडक्शन कम हुआ हो किसी साल, ये भी हो सकता है एक कारण। ठीक है चलो, लेकिन क्या महंगाई से कुछ नकारात्मक, एक सकारात्मक कारण है महंगाई बढ़ने के? ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दीवा स्वप्न दिखा दिया रातों रात, है ना, कि इतनी सारी चीज़ें देश का वृद्धि हो जाएगी। ये चीज़ें आपको लिखनी है, सारी चीज़ें जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि महंगाई बढ़ने के सकारात्मक परिणाम क्या हैं। महंगाई बढ़ेगी, उत्पादक वर्ग नए निवेश के लिए प्रेरित होगा, उत्पादन बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र बढ़ेगा, करदाताओं की संख्या बढ़ेगी, सरकारी राजस्व बढ़ेगा, सरकार आधारभूत संरचना में निवेश करेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्त प्रबंधन करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, निर्यात बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, रुपया मजबूत होगा, भारत विश्व में अव्वल दर्जे की इकोनॉमी हो जाएगा। तो ये तो है इसका बेनिफिट महंगाई बढ़ने का। अब महंगाई बढ़ने का क्या नुकसान है, नकारात्मक प्रभाव क्या है? हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं, ठीक है। नकारात्मक क्या है? आवश्यक खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ जाएगी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अब मुझे बिस्किट खाना है, कुछ खाना है, वो महंगा हो गया, अब मैंने पोस्टपोन कर दिया, नहीं 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 खाना है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ेगी, इससे आम लोगों की बचत में प्रभाव पड़ेगा। जहाँ मैं 10 रुपये बचा पा रहा था, मैं 5 ही रुपये बचा पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ज़्यादा पैसा महंगा हो गया, तो अब मेरे पास इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है, तो मेरा खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है। महंगाई में कहते हैं ना कि अब फिर टमाटर आप लाते हो, है ना, पहले टमाटर ले आते थे 2 किलो, अब एक पाव में काम चला रहे हो, उसे बोले भैया 250 ग्राम दे दो बस। फिर इसके बाद अपनी मैडम को समझाते हो कि भाई आधा काट के डालना, पूरा टमाटर देख लिया तो हालत ख़राब कर देंगे। तो रीज़न क्या होता है, चीज़ें लोग उसी हिसाब से एडजस्ट करना चालू कर देते हैं, आम लोगों की बजट में कमी आ, कहीं 2 किलो टमाटर ले आए, टमाटर में बहुत, उस समय तो लोग हार बना के टमाटर के लोगों को गिफ्ट कर रहे थे टमाटर। तो ऐसी कंडीशंस तभी आती हैं जब चीज़ें महंगी हो गई। इसके बाद बैंकों से, अब आपके पास जब आपके पास जेब में पैसा नहीं रहेगा चीज़ों ने, तो बैंकों में जो आपने बचत रख भी रखी है वो भी निकालना चालू कर दोगे, है ना। बैंक का जितना भी सेविंग्स आपकी होंगी वो भी आपके खर्च होनी चालू हो जाएंगी, ज़्यादा महंगाई बढ़ गई तो आपकी सेविंग्स में प्रभाव पड़ेगा, यानी बैंकिंग व्यवस्था पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। बैंकों का चूंकि पैसा पूरा निकल रहा है, अब वो बेचारे करें क्या, उनको लोन में उठाना था, सब कुछ करना था, वो पैसा पूरा जा रहा है। तो आपकी बचत, बैंकों की तरलता कम हो जाएगी, बैंक क्या करेंगे, तुरंत ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे, ठीक है, ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे। उत्पादक वर्ग नए निवेश के लिए हतोत्साहित हो जाएगा, लोग नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, यदि हाँ, तो इससे क्या होगा, उत्पादन कम होगा, GDP कम होगा, GDP से रोजगार कम होगा, रोजगार कम होने से बेरोजगारी दर कम होगी, बढ़ेगी, है ना। इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोग पास पैसा नहीं रहेगा तो बैंकिंग और बीमा क्षेत्र पर खराब हो जाएगा हमारा, करदाताओं की संख्या कम हो जाएगी, सरकारी राजस्व कम हो जाएगा, आधारभूत संरचना में कमी आ जाएगी, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा, घाटे की वित्त व्यवस्था हो जाएगी हमारे यहाँ पे, आर्थिक विकास रुक जाएगा, निर्यात रुक जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व नहीं आएगा, रुपया टूट जाएगा और भारत का अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आएगी। तो ये होता है यदि महंगाई के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा, दोनों तरफ से बोलना है, इधर से भी और उधर से भी, एक ही बात पे, ठीक है, आपके ऊपर बोझ पड़ रहा है। ये हो गया बैंक का काम, RBI यही कर सकता है, RBI के हाथ में दूसरी चीज़ नहीं है। अब सरकार क्या करेगी महंगाई के घटने बढ़ने पे, सरकार का क्या काम होता है, सरकार की क्या रोल होती है? तो ये काम था RBI का कि महंगाई को कैसे घटाना है कैसे बढ़ाना है। सरकार के पास भी पावर है कि महंगाई को घटाने और बढ़ाने में किस प्रकार से रोल अदा कर सकती है। आपको पता है कि RBI बेचारा कई बार जो है ये बना के बस बैठ जाता है, लेकिन महंगाई घटती नहीं है, सब कुछ कर लेता है, मौद्रिक नीति कम कर लेगा, ज़्यादा कर लेगा, ऊपर नीचे कर लेगा, लेकिन महंगाई घटती नहीं। रीज़न क्या है? कुछ रीज़न आपको मैं बता दूं कि RBI मुद्रा स्फीति के प्रबंधन में विफल हो जाता है। मैं सरकार का भी बताता हूं कि सरकार क्या करेगी। अभी तक समझ में आ रहा है ना, आसानी से, बोरिंग तो नहीं लग रहा, ठीक है, अब चलते रहो, टॉपिक को अच्छे से कम्प्लीट करना है। अब देखो RBI बेचारा क्या करे, RBI के पास सारी चीज़ें नहीं है उसके हाथ में। मान लो RBI ने क्या किया, ये सब चीज़ें कम कर दी या वो कर दी, महंगाई बहुत ज़्यादा है और RBI ने CRR कम कर दिया, SLR कम कर दिया, रेपो रेट कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट कर दिया, बैंक रेट कर दिया, तो RBI ने तो कम कर दिया, लेकिन बैंकों को लगा कि यार अभी बढ़िया पैसा मिल रहा है, लोन ठीक है, सब कुछ है, हम नहीं कम करते, जाओ। तो बैंक ना कम करें, बैंक उसी रेट में देते रहें,
बैंक कम कब करते हैं, जब आईसीआईसीआई बैंक बैंक कम किया तो एचडीएफसी को लगता है मैं भी कम करूं, उसके यहाँ से लोन ज़्यादा उठने लगा है, कंपटीशन में कम करते हैं। अच्छा यस बैंक ने कम कर दिया, एसबीआई ने कम कर दिया, तो तुरंत कहते हैं अरे वहाँ लोन ज़्यादा उठ रहा है हमारे यहाँ पे कम करो, तब प्रतिस्पर्धा में कम करते हैं ये। और यदि सब लोग मिल के बात कर लेंगे भाई कम नहीं करना, आरबीआई को करने दो जो करना हो, है ना, तो क्या होगा, आरबीआई बेचारा इधर ऊपर नीचे घुटाता बढ़ाता रहे, उधर कुछ नहीं कर रहे बैंक, क्योंकि लोग तो डायरेक्ट बैंक से जुड़े हैं ना, बैंकिंग सिस्टम से। तो कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई इधर तो ऊपर नीचे कर लेता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में या तो बहुत लेट कर देते हैं, है ना, और या तो करते ही नहीं। तो उससे आरबीआई की सारी ये जितनी पॉलिसी, क्या कानूनी व्यवस्था होगी, उनका बिजनेस है बैंकों का, वो कम करें ज़्यादा करें, जबरदस्ती थोड़ा ना है कि अब अपना ये करिए वो करिए, अपनी दुकान है आप 5 रुपये का सामान 6 रुपये में दे रहे, मैं नहीं जाऊँगा आपके यहाँ लेने, मुझे आईसीआईसीआई में सस्ता मिल रहा है मैं वहाँ जाऊँगा लोन लेने, अब ये तो आपके कस्टमर के ऊपर है ना, यही तो है मार्केट, यही तो है प्रतिस्पर्धा। ये थोड़ा ना कि भैया नहीं नहीं कान पकड़ के इधर 4% करो, ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। तो वहाँ पे बैंकों के ऊपर है कि बैंक कम करते कि नहीं करते, तो कभी कभी आरबीआई का पूरा मैकेनिज्म फेल हो जाता है। दूसरा, आरबीआई और गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी होता है कि श्रम लागत इतनी बढ़ जाती है जिसके कारण से लागत जनित मुद्रास्फीति, ये तो मांग प्रेरित वाली मुद्रास्फीति कम करनी थी उसे, उसे तो मार्केट से पैसा वाला काम को कम ज़्यादा करना था, लेकिन कभी कभी श्रम इतना महंगा हो जाता है जिसके कारण से लागत जनित मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, आरबीआई ऐसे हाथ खड़े किए रहता है, ठीक है, आरबीआई उसमें कुछ नहीं कर सकता लागत जनित में, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाए, दुनिया भर की चीज़ें बढ़ जाए तो चीज़ें महंगी हो जाए, तो आरबीआई करेगा क्या, हमारे जेब में तो पैसा नहीं आया लेकिन तब भी चीज़ें महंगी हो गई, तो उसके लिए आरबीआई के पास कोई भी हथियार नहीं है कि उसके लिए कुछ कर पाए। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हो जाए, कच्चा तेल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ गया, सीएनजी सब बढ़ गया, अब आरबीआई क्या करेगा, पेट्रोल थोड़ा ना बना के भेजेगा वो अंदर बाहर करेगा, वो तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल अंतरराष्ट्रीय बाहर से आता है पेट्रोल, वहाँ पे उत्पादन कम हो, यदि उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, या डिमांड बहुत पेट्रोल की बढ़ जाए उस लेवल पे प्रोडक्शन ना हो तो पेट्रोल कीमत बढ़ जाएगी, अब आरबीआई जो करना हो कर ले। तो यहाँ पे भी आरबीआई के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर अभी बिहार में प्राकृतिक आपदा आ गई है बड़े स्तर की, ठीक है, बाढ़ आ गई है, तो अब आरबीआई करेगा क्या, बाढ़ में पैसा भेज भी देगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो यदि बड़े स्तर की प्राकृतिक आपदाओं की श्रृंखलाओं में वृद्धि हो जाए तो भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई को कम ज़्यादा करने में कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। दरअसल आप इसी इलाके से आती हैं जिस कारण से कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। अगला, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो भी आरबीआई कुछ नहीं कर सकता, या फिर मांग के अनुरूप आपूर्ति ना बढ़ पाए। आरबीआई ऐसा थोड़ा ना कि टमाटर नहीं मार्केट में तो मार्केट में टमाटर भेजेगा, वो तो पैसे को इधर उधर करेगा, टमाटर भेजने का काम सरकार का है कि बाहर से इम्पोर्ट करे, ये करे वो करे, सरकार का काम है मांग को पैसे को रेगुलेट करना, आरबीआई का काम है, बाकी की चीज़ों का काम सरकार का है कि सरकार देखे कि ये चीज़ कम हो रही है तो बाहर से इंपोर्ट करे, उसको जाकर मार्केट में पहुंचाए ताकि चीज़ें सस्ती हों। आरबीआई के हाथ में चूंकि आपूर्ति नहीं है इसलिए आरबीआई इसमें भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है। या फिर वैश्विक मुद्रास्फीति का दबाव हो, वैश्विक यानी कि डॉलर वगैरह का रेट घट बहुत बढ़ रहा हो, डॉलर का भी रेट घटता बढ़ता क्या, सिंपल आसान भाषा में डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो डॉलर का रेट, डिमांड कम होगी तो डॉलर का रेट, सेम रूल है जिस चीज़ की, सोने की डिमांड ज़्यादा होगी सोना का तो क्या होगा, सोने के रेट, अभी दीपावली आएगा, धनतेरस का टाइम पीरियड आता है, अभी शादी विवाह का टाइम पीरियड आता है, सोने की डिमांड बढ़ जाती है तो सोने के रेट, जिसके डिमांड बढ़ी, डिमांड एंड सप्लाई दिमाग में बैठा के रखो, जब भी किसी चीज़ के रेट बढ़े या घटे दिमाग में एक ही रूल रख लो और यही रूल सब कुछ करता है, रुपये का रेट घट बढ़ रहा है यानी रुपये की वैल्यू घट बढ़ क्यों रही है, रुपये का डिमांड बढ़ेगा तो रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी, रुपये का डिमांड घटेगा तो रुपये की डिमांड वैल्यू घट जाएगी, कुछ नहीं, सिंपल आसान भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई के हाथ में ये चीज़ें नहीं है, पहली चीज़ क्या नहीं है, लागत जनित मुद्रास्फीति उसके हाथ में नहीं है, श्रम वगैरह वो नहीं रेगुलेट कर पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं रेगुलेट कर पाएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों की वृद्धि नहीं कर पाएगा, वो प्राकृतिक आपदाओं की श्रृंखलाओं की वृद्धि, वो जनसंख्या में वृद्धि, वो मांग के अनुरूप आपूर्ति, ये सब चीज़ें आरबीआई के हाथ में नहीं है तो आरबीआई नहीं कर सकता ये काम। बैंकों से एक दफ़े बोल भी सकता है, बुला के सबकी मीटिंग कर सकता है, कुछ कर सकता है कि भाई मैंने इतना कम कर दिया अब आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब काम तो कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे आरबीआई के हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कभी कभी महंगाई को कम नहीं कर पाती है, ठीक।
तो आपको लगता होगा कि आरबीआई ने कम तो कर दिया लेकिन चीज़ें हुई नहीं, उसका रीज़न ये है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन किस आधार पे हुआ है। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। अगला है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति भी एक तरीका है जिस तरीके के माध्यम से सरकार महंगाई को कम या ज़्यादा करती है। बजट आता है हर साल, अभी बजट आया है तो बजट में आय और व्यय का विवरण होता है। सरकार को पैसा रुपया कहाँ से आएगा, रुपया कहाँ पे जाएगा। ठीक है, रुपया कहाँ से आएगा और रुपया कहाँ पे जाएगा। सरकार एक साल में एक ही बार बजट लाती है, ऐसा नहीं होता कि हर पाँच दिन बाद बजट आ जाए। मॉनेटरी पॉलिसी तो यह है कि हर दो महीने बाद आ जा रही है, लेकिन बजट के साथ ये सीन नहीं है। बजट तो साल में एक ही बार आएगा, तो उसमें राजकोषीय नीति कैसे, पैसे कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, वो सारा काम गवर्नमेंट करती है। ये भी मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के नियंत्रण की बात है। अब कैसे होता है समझिए। राजकोषीय नीति द्वारा सरकार की आय तथा व्यय की नीति है। सरकार कहाँ से पैसा लाएगी और सरकार पैसा कहाँ पे खर्च करेगी, उसकी पॉलिसी होती है राजकोषीय नीति पे। पहले चीज तो दिमाग में बैठा लो, राजकीय नीति क्या है। आसान भाषा में इसको समझाता हूँ। राजकोषीय नीति जो होती है सरकार के आय व्यय एवं ऋण प्रबंधन का लेखा जोखा होता है। राजकोषीय नीति सरकार के आय व्यय तथा ऋण प्रबंधन का लेखा जोखा होता है। ठीक है, अब कैसे है चीज़ों को समझिए। सरकार क्या करती है, बजट में यदि आय कम हो, मान लीजिए आपके घर का, अपने घर के बजट को लेकर चलिए, आपके घर में आय के सोर्स कम है, एक आदमी कमाने वाला है, पांच आदमी खाने वाले हैं, तो आपके यहाँ आय कम है और व्यय अधिक है। सब पढ़ रहे हैं, कोई इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, कोई इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, सबकी पढ़ाई में खर्चा है, कोई घर में बीमार है उसके स्वास्थ्य का खर्चा है, तो आय तो आपके यहाँ की कम है, व्यय अधिक है। तो सरकार क्या करेगी, अपने बजट के घाटे को पूरा करती है बहुत सारे तरीके से। आपके पिताजी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से पैसे के जुगाड़ करेंगे। यदि आपके घर का खर्चा ज़्यादा है तो उनकी एक इनकम है, वो 10,000 कमाते हैं, खर्चा 20,000 का, तो 10,000 तो कहीं से प्रबंध करेंगे ना वो, या खर्चों को सीमित करेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है, या तो खर्चों को सीमित कर दें और या तो 10,000 का जुगाड़ करके हर महीने रखें कहीं से, या फिर अपने बच्चों पर दबाव बनाएं कि बेटा आप कुछ करो, अब नहीं हो पा रहा मुझसे, है ना। यही काम तो सरकार का है। देश में बहुत सारे लोग सरकार के ऊपर निर्भर हैं, हम सब निर्भर हैं, क्योंकि हम सब सरकार को पैसे दे रहे हैं, सरकार से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सरकार से हमें सब कुछ चाहिए। तो सरकार क्या है, सरकार के पास टोटल पैसा आने के सोर्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे सरकार के पास पैसा आता है। आप टैक्स देते हो तो सरकार के पास पैसा आता है, आप टैक्स ही नहीं दोगे तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। तभी तो सरकार दुनिया भर के उपाय अपना रही, GST ला रही कि इनडायरेक्ट टैक्स पूरा आ जाए, सरकार चाह रही कि इनकम टैक्स के दायरे पे जितने लोग हैं वो आ जाए, सरकार चाहती है जितना को बैंकिंग सिस्टम जो जाए ताकि मेरी आय बढ़ जाए। लेकिन कभी कभी होता है कि व्यय ज़्यादा हो जाता है और आय कम रहती है, तो सरकार क्या करती है, कई जगह से उधार ले लेती है, ब्याज में पैसा ले लेती है, और उस पैसे के माध्यम से जीरो बजटिंग बनाती है। हमारे यहाँ पे आय माइनस व्यय करेंगे तो इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जीरो, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं से उस खर्चे को इधर उधर सेट कर देती है। यदि व्यय ज़्यादा है तो आय को कहीं ना कहीं से उधार के माध्यम से, ऋण के माध्यम से, ब्याज के माध्यम से उसको पूर कर देगी। ठीक है, तो राजकोषीय नीति क्या होती है, सरकार की आय व्यय की नीति है जिसे सरकार बजट में दर्शाया जाता है। यदि बजट में आय के सापेक्ष व्यय अधिक होता है, खर्च ज़्यादा होता है, तो सरकार विभिन्न उपायों को अपनाकर बजट में इस घाटे को पूरा करती है। कैसे पूरा करती है समझिए। राजकोषीय नीति सरकार की आय व्यय की ऋण प्रबंधन की नीति। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं समझिए। सबसे पहले सरकार करती क्या है, सरकार पहली बात ये करेगी, सरकार के पास यदि पैसा कम होगा, मान लीजिए व्यय ज़्यादा है और पैसा कम है, व्यय ज़्यादा है और पैसा कम है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो पैसा कहाँ है, सरकार के पास पैसा कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सरकार को पैसा मार्केट से लेना है। कैसे मार्केट से सरकार पैसा लेगी, RBI के तो तरीके मैंने बता दिए, RBI कैसे लेता है, सरकार के भी तरीके हैं। सरकार क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ा दिया चीज़ें महंगी हो गई, टैक्स घटा दिया चीज़ें सस्ती हो गई, और टैक्स सरकार बढ़ा देगी तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार के राजस्व में जा रहा है। तो सरकार क्या करती है, राजकोषीय नीति के द्वारा दो प्रकार की पॉलिसी अपनाती है, पहला है राजस्व नीति, दूसरी है व्यय नीति। राजस्व नीति में सरकार क्या करेगी, सरकार द्वारा करों की दर में वृद्धि कर दी जाती है, टैक्स का वो बढ़ा दिया जाएगा, दर रेट बढ़ा दिया जाएगा टैक्स का। ठीक है, पहला काम तो सरकार ये कर देगी। दूसरा काम सरकार, तो इससे क्या होगा, आपका पैसा कहाँ चला गया, ठीक। दूसरा काम इससे क्या होगा, अमीर लोग जितने भी हैं, अमीर लोग, क्योंकि टैक्स, भारत में
प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ये होता है कि भारत में अमीर लोगों से टैक्स लिया जाता है। 2.5 लाख से कम इनकम है तो आपसे नहीं लिया जाएगा आपका टैक्स, इनकम टैक्स के दायरे से आप बाहर हैं। क्यों? आपको माना जाता है कि आप जो है अपना आम साधारण जनजीवन, लेकिन 2.5 लाख से जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो सरकार ने प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम डेवलप किया भारत में। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही सरकार टैक्स को बढ़ा देगी तो सरकार का पैसा, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो टैक्स में ज़्यादा देंगे, तो इससे क्या होगा, अमीर वर्ग की क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी। ठीक, पहला काम तो ये होगा, जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे, जिससे उपभोग तथा निवेश व्यय घट जाएगा। ज़्यादा लोग जो उपभोग कर रहे हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। इससे क्या है, मांग घट जाएगी अपने आप, अचानक से ज़्यादा उपभोग हो रहा था। देखो, जिसके जेब में पैसा है वही तो खर्च कर रहा है, तो सरकार उनका पैसा टैक्स के माध्यम से खींच लेगी, और जैसे टैक्स के माध्यम से खींचेगी उनकी डिमांड वो कम कर देंगे, और डिमांड कम हो गई तो बस यही है सरकारी राजस्व बढ़ जाएगा, सरकारी खजाना बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं राजस्व नीति। सरकार क्या करती है, अपने राजस्व को बढ़ा देती है, अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ा देती है राजकोषीय नीति के माध्यम से, जिससे मार्केट से पैसा, ये साल में सिर्फ एक ही बार कर सकती है, टैक्स तो एक ही बार, वो बजट में ही तो होता है सारा कुछ। ठीक, अब व्यय नीति क्या है सरकार की, सरकार क्या करती है, लोगों के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती है, सामाजिक सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च कर रही है, आपके एजुकेशन के लिए पैसा खर्च कर रही है, आपको रोजगार देने के लिए पैसा खर्च कर रही है। तो सरकार को यदि मांग को कम करना है तो सरकार क्या करे, आपको पैसा कम दे। सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर आप सब्सिडी में नहीं मिलेगा, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए जाएँ तो आप गैस का उपयोग कम करोगे। ठीक है, आपके दिमाग में भी लगेगा जितना यूज हो उतना ही करो, बाकी बंद कर दो, समझ रहे हैं। तो सरकार करेगी क्या, व्यय नीति, राजस्व नीति में अपने सरकारी खजाने को बढ़ा लिया, जिससे मार्केट का पैसा उनके खजाने में चला गया। व्यय नीति में क्या करेगी सरकार, व्यय कम कर देगी, आपको कम देगी। सरकार क्या करेगी, समाज की सुरक्षा तथा लोगों की जीवन गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो राज्य द्वारा सार्वजनिक व्यय किया जाता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा आपको प्रदान की जाती है, प्रशासन किया जाता है, सामाजिक सेवाएं दी जाती हैं, विकासात्मक व्यय होते हैं, इनको क्या कर देगी सरकार, इन व्ययों को कम कर देती है। इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा नहीं पहुँचता है और महंगाई कम हो जाती है। इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। अब बताओ राजकोषीय नीति में कुछ है, राजकोषीय नीति बहुत आसान है, सरकार को महंगाई करने कम करने के लिए मार्केट का पैसा अपने पास लेना है, जिसके लिए टैक्स एक तरीका है, और दूसरा ये है कि सरकार जो आपके ऊपर पैसा कम खर्च करती है उसको कम खर्च कर, सब्सिडी देना बंद कर दे, बिजली में सब्सिडी मिलती थी उसकी यूनिटें बढ़ा दे कि और महंगी कर दो बिजली, है ना, हर चीज़ को बढ़ा देगी, उससे क्या होगा, आपका पैसा दूसरी जगह खर्च होना लग जाएगा और आप महंगाई कम कर देंगे। इसे बोलते हैं राजकोषीय नीति। दो तरीके समझे, आरबीआई के द्वारा क्या फंडा अपनाया जाता है महंगाई को, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तरीके। कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा आसान था, इसको एक बार आप पूरे वीडियो को देखेंगे दोबारा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा आसानी से, कुछ नहीं है, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फंडा है और इसमें बहुत लोग अटके रह जाते हैं। ये मैंने बहुत इजीली प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझा दूं, और मुझे नहीं लगता कि इससे आसानी से आप समझ भी पाएंगे, सबसे इजी तरीका था समझाने का। ठीक है, ये काम सरकार तब करती है जब महंगाई ज़्यादा होती है। अच्छा, महंगाई यदि नहीं होगी, डिफ्लेशन होगा, अवस्फीति होती, मुद्रा अवस्फीति या मुद्रा संकुचन कहते हैं उसको हिंदी में, डिफ्लेशन को, तो वो उसमें क्या करेगी सरकार, इसका उल्टा करेगी सब कुछ, है ना, टैक्स कम कर देगी, सब्सिडी ज़्यादा दे देगी, मार्केट में पैसा उसे बढ़ा देना। ठीक, ये गवर्नमेंट का काम है, आरबीआई का काम भी यही है कि वो इनको कम ज़्यादा करता रहेगा, और इसी तरीके से पैसे को इधर उधर को इधर, इधर को उधर, उधर को इधर, बस चक्कर चल रहा है, चलाते जा रहा है। ये है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, इतना आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में प्रवेश करता हूँ, जिसको कोशिश करेंगे कि बहुत तेज़ी से हम करें। यह है आपका भारत का प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रवेश करते हैं और इसको जानना प्रारंभ करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक हैं, पहला है प्राथमिक सेक्टर, दूसरा द्वितीयक सेक्टर और तीसरा तृतीयक सेक्टर। हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की प्रारंभ से। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के बारे में पूरी चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है, क्योंकि अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। मैं अब एक एक सेक्टर को उठा रहा हूँ, मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था, कॉन्सेप्ट समझ गए पूरा का पूरा जितना भी था, अभी कुछ नहीं है, अब आपको बहुत ईजी लगेगी इकोनॉमी, अब कुछ नहीं है, सब फैक्चुअल टाइप की चीज़ें हैं,
ये कॉन्सेप्ट है, आगे अभी आके कॉन्सेप्ट और आएंगे, जब विदेश व्यापार और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तब उसमें आएंगे, लेकिन अब यहाँ का जितना मोटा मोटी था आप समझ गए। अब चीज़ें बस रटनी वाली चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। दो आधारों पर भारत को हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहते हैं। पहला आधार है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का कि देश की कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा, देश की कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा कृषि और उसके संबंध क्षेत्रों में कार्यरत है। ठीक है, रिलैक्स तो नहीं चाहिए, बता दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, तो देश का 60% और उससे ज्यादा हिस्सा इसमें काम, उसको रोजगार मिल रहा है, लोगों को, लोग इसमें लगे हुए हैं। आगे क्या है इसके अलावा, दूसरे का किस कारण से हम कहेंगे कि भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है? कैसे कहेंगे? क्योंकि देश की हमारी भौगोलिक संरचना कुछ इस प्रकार से, इतने प्रकार की मिट्टियां हैं, इतने प्रकार की जलवायु है, इतने प्रकार का यहाँ का कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, इस प्रकार से इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक रीजन इस तरीके से डेवलप है कि भारत एक एग्रीकल्चर कंडीशन वाला कंट्री बन गया है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन पर्सन का नाम है एलन सेवरी। एलन सेवरी का ये कथन समझिए, लोग समझते हैं कि एग्रीकल्चर महज सिर्फ खेती को, फसल को उगाना है। एलन सेवरी कहते हैं नहीं, प्राइमरी सेक्टर इतनी आसान, इतने कम शब्दों में आप इसको नहीं समझिए। एलन सेवरी कहते हैं कृषि केवल फसल का उत्पादन नहीं है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, यह विश्व के भूमि और जल का उपयोग कर, विश्व की भूमि और जल का उपयोग कर रोटी एवं कपड़े का उत्पादन है। कृषि के बिना ना तो शहर चल सकते, ना स्टॉक एक्सचेंज चल सकता, ना बाजार चल सकता, ना बैंक चल सकता, ना विश्वविद्यालय चल सकते, ना चर्च चल सकती, ना सेना चल सकती, कोई नहीं चल सकता, किसी का अस्तित्व तो संभव नहीं है। यानी किसानी खेती इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, किसान इतना महत्वपूर्ण चीज है, यदि किसान नहीं होगा, किसान कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप यदि आपके दिमाग में हो कि खेती का काम सिर्फ और सिर्फ फसलों का उत्पादन है तो फसल का उत्पादन नहीं, क्योंकि इसके बिना सब नामुमकिन है, यही सब कुछ है, यही प्राइमरी है, इसके बिना जीवन ही दुर्लभ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एलन सेवरी का ये कथन, कभी भी आपका कृषि से जुड़ा हुआ यदि ऐसे आता है तो आप डाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एलन सेवरी ने कहा कि कृषि केवल फसल का उत्पादन नहीं है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, यह विश्व के भूमि एवं जल का उपयोग कर रोटी एवं कपड़े का उत्पादन है। कृषि के बिना शहर, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, विश्वविद्यालय, चर्च व सेना का अस्तित्व संभव नहीं है। कृषि का महत्व क्या है? सबसे पहले हमारे GDP में इसका योगदान है, योगदान कमी है, जितना लोग इस पे लगे हुए हैं उतना योगदान है नहीं इसमें GDP में, लगभग 17-18%, 18.5% जो है हमारे GDP पे इसका योगदान है, अब शायद कम हुआ है, 17.5 के आसपास है। भारत कई कृषि जनित पदार्थों का, जैसे कि चाय है, मसाले हैं, कॉफ़ी है, चावल है, रबड़ है, तंबाकू है, आदि का बड़ी मात्रा में निर्यात कर बड़े स्तर पर फॉरेक्स रिजर्व प्राप्त करता है, इसलिए भी खेती का महत्व है, हमें विदेशी मुद्रा खेती से प्राप्त होती है, बहुत सारी नगदी फसलें को उत्पादन कर हम क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। दूसरा, कृषि जनित व्यापार से परिवहन के विकास को आधार मिलता है, परिवहन बढ़ता है, भाई कोई चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँचानी है तो कृषि जनित, यदि खेती ना हो, कुछ ना हो तो परिवहन सेक्टर भी बेकार हो जाए, तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कृषि का बहुत बड़ा रोल है उसमें, तो कृषि जनित उत्पादों से व्यापार, पहले तो व्यापार बढ़ता है, दूसरा परिवहन बढ़ता है, इन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए विकसित परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए कृषि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको सब ऐसे में डालना है, ऐसे भी डालिए, कभी भी कोई क्वेश्चन आता तो भी डालिए। भारतीय कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराती है, कृषि जो है कच्चे माल के लिए भी बहुत, इसलिए कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि से रोजगार भी मिलता है और खाद्य सुरक्षा भी मिलती है। तो ये सारे 4-5 पॉइंट आपके पास हैं जिनको आपको कृषि के महत्व को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आप लोगों को पिछले वाले कल वाली क्लास में ये बताया था कि देश में तीन प्रकार की लैंड टेन्योर सिस्टम थे, जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। ठीक है, समझाया था, बताया था कि अंग्रेजों ने लगान वसूलने के लिए एक प्रकार का लैंड टेन्योर सिस्टम डेवलप किया, जिसके तहत उन्होंने देश की जितनी भी खेती है, देश की जितनी भी जमीन है, देश का जितना भी भू का राजस्व जो उपासते थे उसमें मालिकाना हक अलग अलग दे दिया। जमींदारी व्यवस्था में एक व्यक्ति को पूरा क्षेत्र का मालिक बना दिया और वो शोषण करने लगा, ठीक है, बाकी लोगों को मजदूर बना दिया, उन्हीं की जमीन थी, उसी पर वो खेती कर रहे थे, वही मजदूर बन गए।
है ना, महलवाड़ी व्यवस्था में गांव का एक समुदाय होता था, गांव के समुदाय को मालिक हक बना दिया, ठीक है, और राजस्व उगाही ज़्यादा बड़ी मात्रा में करने लगे, वहाँ पर भी मालिकाना हक को क्लियर नहीं किया। और इसी प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयतों को जरूर बनाया, किसानों को जरूर बनाया, लेकिन उनमें से भी टैक्स वो ज़्यादा था। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के उपरांत ये बात हुई कि भूमि सुधार किया जाए, ठीक है। आज़ादी के पहले जो ये सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम गलत है, इसमें बहुत सारे लोग मजदूर बने हुए हैं, बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन पर, तो भूमि का आवंटन सही तरीके से किया जाए ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके। तो क्या हुआ स्वतंत्रता के उपरांत, क्या क्या किया गया? सबसे पहले आज़ादी के पहले तीन जो प्रणालियाँ विकसित थीं, ये तीनों प्रणालियाँ शोषण पर आधारित थीं, बड़े स्तर का शोषण कर रही थीं। हम नहीं चाहते थे कि अब जमींदारी व्यवस्था फिर रहे, तो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चालू किए गए। स्वतंत्रता के उपरांत क्या, क्यों ये लाया गया, क्यों ये करना था हमें, क्यों भूमि सुधार का काम करना था, इससे देखो पूरा क्वेश्चन आएगा, एक मेंस का क्वेश्चन पूरा बनेगा इस पूरे टॉपिक से, भूमि सुधार से, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो पहली बात, भूमि पर खेती किया जाने वाला शोषण समाप्त हो, इस कारण से ये लाना था, भूमि पर खेती करने बड़े स्तर का शोषण हो रहा था। दूसरा, सामाजिक न्याय की दृष्टि से जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, मध्यस्थों का उन्मूलन होना चाहिए, जो बीच में मीडियोकर लगे हुए हैं ना, उनका उन्मूलन करिए, डायरेक्ट गवर्नमेंट टू पीपल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मध्यस्थों का उन्मूलन होना चाहिए, वास्तविक किसान बिना किसी मध्यस्थता के सरकार से सीधा संपर्क कर सकें, इसलिए सिस्टम लाना जरूरी था। भूमि के उपयोग की दृष्टि से परिचालित होने वाली जोड़ों को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, तो इस कारण से भूमि सुधार आंदोलन जरूरी था, भूमि सुधार एक्ट जरूरी था, ठीक है। अब सरकार ने किया क्या भूमि सुधार के लिए, पहली बात, मध्यस्थों को, जमींदारों को खत्म कर दिया, उनका उन्मूलन कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, जोतों की चकबंदी कर दी, जो इधर उधर छितड़ी हुई थी उन सबको एक जगह कर दिया, बहुत सारी जमीनें अलग अलग जो पड़ी थी चकबंदी कर दी, ठीक है। जोतों की सीमा बंदी कर दी, काश्तकारी सुधार लेकर आए, ठीक है, किसानों के लिए बहुत सारे सुधार आए, सहकारी खेती इसके इसको लाया गया ताकि लोग जो है छोटी छोटी जोत वाले लोग मिलके एक बड़ा जोत बनाए और काम कर सके उसमें। इसके बाद भूमि रिकॉर्डों को व्यवस्थित रखा गया और उनको नवीन बना दिया गया ताकि किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसको सुलझाया जा सके। तो भूमि सुधार में सरकार ने क्या क्या काम किया, मध्यस्थों और जमींदारों का उन्मूलन कर दिया, पहला काम, दूसरा काश्तकारी सुधार, तीसरा जोतों की चकबंदी, जोतों की सीमाबंदी, सहकारी खेती, भूमि रिकॉर्डों को व्यवस्थित और नवीनतम करना। अब लेकिन ये आजादी के बाद यदि इनका मूल्यांकन करिए तो ये सुधार जरूर लाए गए, लेकिन आज भी ये सुधार पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाए हैं। आज भी समाज का एक बहुत बड़ा तरका दूसरों की जमीनों पे मजदूरी करता है, सही तरीके से भूमि का आवंटन नहीं हो पाया, समाज के एक वर्ग के पास बड़ी अवस्था पे भूमि है, समाज का एक वर्ग छोटी छोटी जोतों के लिए भी परेशान है। तो इसमें बहुत सारी चीजें थी, पहले तो राजनीतिक निष्ठा का अभाव था, पॉलिटिक्स ही नहीं चाहती थी, राजनीतिक निष्ठा का अभाव, क्यों ये फेल हो गया कार्यक्रम, या फिर आज इसकी स्थिति क्या है, तो आज ये बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम नहीं रहा। दूसरा, प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता और कानूनी परेशानियां बहुत सारी आ गईं। चौथा, विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले भू सुधार संबंधी कानूनों में विविधता और जटिलता, हर राज्यों में अलग अलग कानून है, अलग अलग प्रकार की चैलेंजेस है, ठीक है। और अगला, संशोधित एवं नए भूमि रिकॉर्डों का अभाव है, ठीक है। एक समस्या ये भी थी कि मौलिक अधिकार रख दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, जिसके कारण से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लोग कोर्ट में जाने लगे, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। तो भूमि सुधार कानून जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए, और आज भी आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक टुकड़ा ज़मीन का भी नहीं है, है ना, वो बेघर है और बिना ज़मीन के दूसरों की खेतियों में, किसानियों में काम कर रहे हैं। ये हो गई बात आपकी भूमि सुधार को, इतने ही पॉइंट यदि आपने लिख दिए निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, सारे जो इम्पोर्टेंट में से पॉइंट बाय पॉइंट में इनको डाल के लाया हूँ। अगला है कृषि की उत्पादकता, या कृषि में जो चीज़ें लगी हुई हैं, कृषि आगत प्रबंधक, कैसे हम किसानों की आय को बढ़ाएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसान क्यों नहीं हमारे डेवलप कर पा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं किसानों के पास, तो कृषि आगत प्रबंधन के एक टॉपिक है पूरा आपका, कृषि आगत प्रबंधन। तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको किस प्रकार से आपको मैनेज करना है ताकि कृषि की उत्पादकता बढ़ जाए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कृषि आगत प्रबंधन। तो कृषि की उत्पादकता में जो भी चीज़ें, जैसे सिंचाई है, बीज है, उर्वरक है, ऋण है ना, किस खेती किसानी के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो आपको ऋण की व्यवस्था करानी पड़ेगी, सिंचाई है, बीज है, उर्वरक है, ऋण है, मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनों की जरूरत पड़ती है, आज के टाइम में खेती ऐसे नहीं होती है, प्रौद्योगिकी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आए हैं, ठीक है,
तथा विस्तार सेवाओं पर निर्भर है। आज के टाइम में कृषि उत्पादकता ऐसे नहीं होती है। कृषि उत्पादकता के लिए सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, बीज होने चाहिए, उन्नत किस्म के बीज होने चाहिए, उर्वरक होना चाहिए, फर्टिलाइजर होना चाहिए, ऋण बनना चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी आप अच्छी खेती उत्पादकता नहीं कर सकते, कोई भी किसान नहीं कर सकता। बिना सिंचाई के कहाँ से किसान कर लेगा, ठीक है। तो अब करना क्या क्या है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है कि इन सब चीज़ों का अच्छे से मैनेजमेंट करना है। पहला काम करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि मिट्टी की उर्वरता खोए भी ना, मिट्टी की ऐसा ना हो कि मिट्टी अपनी उर्वरता, अपनी फर्टिलाइजर, अपनी पावर ख़त्म कर दे। तो मिट्टी की उर्वरता खोए बिना, पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना कृषि उत्पादकता को सुधारना है। हमें चाहिए कि हम कृषि की उत्पादकता को बढ़ा दें। अचानक से किसानों की आय तभी दोगुना होगी, लेकिन उसमें पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और किसानों की भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से मिट्टी की उर्वरता भी ना खोए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनोवेशंस का तरीका अपनाना पड़ेगा, बहुत सारे नवाचार लाने होंगे और प्रौद्योगिकी सुधार करने पड़ेंगे जिसके कारण से। अब देखो दिक्कत क्या क्या है। पहली बात ये, किसानों की शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है। किसानों को पता नहीं कि कितना उर्वरक डालना है, कितना बीज डालना है, कितनी सिंचाई करनी है, जिसके कारण से मिट्टी की उर्वरकता लगातार कम होती जाती है, खेत खोती जा रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मृदा की उर्वरता को हमें बचाना है तो पहले किसानों को शैक्षिक बनाना पड़ेगा। इनकी शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है, इनको जानकारी नहीं कि किस चीज़ की खेती कब क्या कैसे करनी चाहिए। पहला काम तो ये करना है, किसान अनपढ़ है, अशिक्षित। दूसरा काम, बीज की स्थिति में सुधार करना है, ठीक है। आज के टाइम पे प्रमाणिक बीज चल रहे हैं, अधिसूचित बीज चल रहे हैं, संकर जी बीज चल रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बीजों के लिए काम करना है, बीज की स्थिति को सही करना है, ठीक है। इसके बाद हमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करानी है, ये गड़बड़ है। किसान को शिक्षित बनाना है, बीज को हमें बेहतर तरीके के प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने हैं, हमें संकर बीज उपलब्ध कराने हैं, हमें अधिसूचित बीज उपलब्ध कराने हैं, हमें सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, ठीक है। आज के समय सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सिर्फ 35% क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, बाकी क्षेत्र मानसून पर निर्भर है। और आज के समय पे बहुत बुरी कंडीशन आने वाली है, जल संकट इतने बड़े स्तर का आएगा, जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े स्तर पे खेती किसानी हो रही है, पता है आपको, रात दिन अभी धान की खेती चल रही है, बहुत जगह पे बाढ़ आ रही है, कहीं कहीं पे बारिश ही नहीं हो रही है, तो ज़मीन का पानी पूरा का पूरा, क्योंकि धान की खेती में सबसे ज़्यादा पानी लगता है, तो वाटर लेवल इतना कम हो गया है कि आसपास पेयजल संकट तक आ गया है। तो भारत सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे, नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा, या नदी जोड़ों पर, दुनिया भर की चीज़ें हैं, हमें एक बेहतर सिंचाई सुविधा, या फिर जो पानी वेस्ट हो जा रहा है उसके लिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, ये सारी व्यवस्थाएं हमें कर करके, हमें सरकार को चाहिए कि सरकार अच्छी सिंचाई व्यवस्था को विकसित करे। इसके लिए सरकार काम भी कर रही है, एक आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके तहत सरकार कार्य प्रतिबद्ध है, और प्रति बूंद अधिक फसल एक योजना ये है, और एक है सिंचाई तकनीकी को भी विकसित करना है जिसके तहत ये चीजें हो सके। तो गवर्नमेंट कुछ योजनाओं के तहत सिंचाई पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। तीसरा काम, हमें अगला काम करना है, किसानों को कृषि मशीनीकरण देना है, मशीनें पहुंच जाए उनके पास प्रॉपर। तो कृषि मशीनीकरण, फॉर्म मशीनीकरण, कृषि मशीनीकरण, फॉर्म मशीनीकरण, इससे क्या होता है, मशीनों से क्या होता है, समय और श्रम दोनों की बचत होती है। समय भी बचता है और श्रम भी कम लगता है, और उत्पादकता भी ज़्यादा हो जाती है, उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा किसानी एक ऐसा जुआ बोलते हैं इसको, मानसून का जुआ बोलते हैं। किसान बेचारा 6 महीने खेती को बहुत अच्छे से उसको करता है तालीनता से, लेकिन जब तक खेती घर ना आ जाए उसका अनाज निकल के, तब तक कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि कब वो विपत्ति में पड़ जाए। खुला मैदान होता है, ऐसा नहीं कि टीन सेट लगा हुआ है ना, तो खुला क्षेत्र है, कब ओला पड़ जाए, कब बारिश हो जाए, कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब झंझावात आ जाए, कब बारिश ना हो, कब खड़ी फसल पूरी सड़ जाए, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर किसान जूझता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, किसान को एक बीमा देना है, इसको बोलते हैं कृषि फसल बीमा। इसके लिए भारत सरकार बहुत सारे काम कर रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके लिए चल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड चल रहा है ताकि उसको वित्त मिल सके, पैसा मिल सके, लघु अवधि फसल ऋण चल रहे हैं, और ब्याज सहायता योजना भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और इसके अलावा सरकार के द्वारा ऋण माफ़ी योजना भी चलाई जाती है, जितना भी ऋण होती है उसको एक बार में ही ख़त्म कर दिया जाता है, ये भी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो एक काम हमें ये, इस पर भी पूरा फोकस रखना है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, किसान ने चीज़ों को पैदा किया लेकिन उसका उसे उचित मूल्य ना मिल पाए,
तो क्या फ़ायदा है? इसके लिए हमें चाहिए कि उसको प्रॉपर ऐसी मंडियाँ होनी चाहिए जहाँ पे उसका शोषण ना हो। अभी तक क्या होता है, एपीएमसी एक्ट है, एपीएमसी एक्ट के तहत कृषि मंडियाँ बनी हुई हैं बहुत जगह पे। अभी जैसे ही फसल आई, कृषि मंडियों पे आप चले गए और जाने के बाद वहाँ पर आपने फसल आपकी बिकती है, बिकने के बाद वहाँ पे कार्टल बनता, बहुत सारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। जानते हैं क्या होता है, जितने भी फड़ वाले होते हैं, जितने दुकानदार होते हैं, वो आपस में कार्टल बना लेते हैं। वो कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा गेहूं का 1600-1650 रुपये, लेकिन हम 1200 रुपये से ज़्यादा मूल्य नहीं आंकेंगे खेती का, है ना। तो उसकी फसल का सब एक ही साथ बैठ जाते हैं। और आज के टाइम पर गवर्नमेंट ज़रूर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, दुनिया भर की संस्थाएँ हैं, लेकिन किसान कृषि मंडियों के ऊपर, कृषि समितियों के ऊपर निर्भर है, सहकारी समितियों में। तो वहाँ पे उसका जो इतना महंगा, जितना उत्पादन की लागत भी नहीं निकल पाती है, इस कंडीशन में उसका माल खरीदा जाता है। इसके लिए उसको सिक्योरिटी देना जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, ई नैम लिया, ई नैम करके एक ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट डेवलप किया सरकार ने 2016 में। इसके तहत जितनी भी कृषि मार्केट हैं, कृषि समितियां हैं, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज़ बनी हुई हैं एपीएमसी एक्ट के तहत, वो सभी मार्केट को एकीकृत कर दिया, एक ही मंच में ला के खड़ा कर दिया। समझ पा रहे मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे, है ना। इंटरनेट के माध्यम से सभी कृषि मंडियों को जोड़ दिया गया है, आप सभी का रेट पता कर सकते हैं और उस रेट के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मंडी में यहाँ पर रेट कुछ और चल रहा है, वहाँ कुछ रेट और चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अब क्या हो गया है कि किसान को उचित मूल्य मिलना प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि कृषकों की आय को दोगुना किया जाए 2022 तक। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, किसानों की आय आप दोगुना कर दीजिएगा, लेकिन आप एक बार ये तो बता दीजिए कि उनकी आय है कितनी, है ना। जब तक आप आय ही नहीं बताएंगे, तब तक दोगुना हम कैसे समझेंगे कि दोगुना हो गई। किसान की आय पता तो हो कि भाई मिलता है कितना उसके पास, तो बिना आय बताए दोगुना करना है हमें। यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र कहें इसे, किसानों के साथ, ठीक है। तो किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कैसे करेंगे, कृषि अनुसंधान और विकास के माध्यम से किसानों को हम अच्छी तकनीकी देंगे और उनके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है और यही सोल्यूशंस है। किसान को शिक्षित बना दीजिए। अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अब तो किसान चैनल भी चलता है, किसान को मैसेज के द्वारा, फ़ोन कॉल, किसान कॉल सेंटर है, सबके द्वारा किसान को शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है। बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक भी आते हैं, वो आकर के उस क्षेत्र के लोगों को विकसित करते हैं, बताते हैं। सहकारी समितियों में लोग आते हैं, वो बताते हैं। तो सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है, लेकिन तब भी अभी वो चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ पहुँचना चाहिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हरित क्रांति, ये एक पूरा टॉपिक है। देखो, एक टॉपिक था आपका प्राथमिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ें, एक टॉपिक था आपका भूमि सुधार, एक टॉपिक अब आपका रहा हरित क्रांति, एक टॉपिक था आपका कृषकों की कृषि आगत प्रबंधन। तो मैंने अलग अलग टॉपिक लेके सब में मैं 10-10, 15-15 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, और ये पॉइंट रामबाण है। आप मेंस का एक क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे यदि इतने पॉइंट आपने लिख लिए, रट लिए। बस अगला है आपका हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। खूब नाम सुना है इसका आपने, हरित क्रांति के बारे में, ठीक है। रिलैक्स हो सभी लोग, रिलैक्स नहीं लग